नमस्कार दोस्तों, आप सभी को हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हम इस मूवी के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं। उसका नाम है गुमराह और ये मूवी आपको किस OTT प्लेटफॉर्म पर, किस टेलीविजन चैनल पर देखने को मिलेगा उसके बारे में भी एक जानकारी देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। गुमराह अनुवाद मटक भटक दर्शक के केतरक द्वारा निर्देशित और टी सीरीज फिल्म्स के मुराद खेतानी के सीन जी वन स्टूडियोज द्वारा निर्मित होती है। इसकी भारतीय हिंदी भाषा की क्राइम थ्रिलर फिल्म है। फिल्म में मृणाल ठाकुर और रणित राव के साथ आदित्य रॉय कपूर दोहरी भूमिकाओं में। ये 2019 की तमिल फिल्म थमन की रिमेक है। ये एक हत्या की जाँच के इर्द गिर्द घूमती है जो पुलिस द्वारा दो हमसकल संदिग्धों की खोज के बाद जटिल हो जाती है। प्रधान फोटोग्राफी अक्टूबर 2021 में हैदराबाद में शुरू हुआ। फिल्म का फिल्मांकन 16 जुलाई 2022 को लपेटा गया था। फिल्म 7 अप्रैल 2022 को इसके सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। फिल्म की व्यावसायिक रूप से कमजोर प्रदर्शन के बॉक्स ऑफिस बम बन गई। कथानक इस सब इंस्पेक्टर शिवानी माथुर को एक व्यक्ति की हत्या की जांच करने का काम सौंपा गया है और उसे दो हमशक्ल संदिग्ध मिलते हैं जो एक दूसरे के अस्तित्व को नहीं जानते हैं। शिवानी के लिए चीज़ें तब और जटिल हो जाती है जब हमें मामले के बारे में नए तथ्य पता चलता है। ढालना आदित्य रॉय कपूर, अर्जुन सहगल, सूरज राणा दोहरी भूमिका, मृणाल ठाकुर सब इंस्पेक्टर शिवानी माथुर के रूप में, AJB धोरन यादव के रूप में, धोरित रॉय जानवी के रूप में, वेदिका पिंटो सहगल के रूप में, किया खन्ना पृथ्वी के रूप में, मोहित आनंद एडवोकेट जीवी के रूप में, इवान डडिंट रेड्डी के रूप में, दीपक कालरा नवनीत कौर थिंग लड़के के रूप में, अक्षय भावक जो चंडी को मामला दर्ज करता है। 2019 की थमन की रिलीज के बाद ऐसी अफवाह थी कि ये एक हिंदी रीमेक का कर रही थी। 4 मार्च 2020 को फिल्म को आधिकारिक तौर पर सोशल मीडिया के माध्यम से भूषण कुमार और मुराद खेतानी द्वारा एक अनाथ अवरात थ्रिलर के रूप में घोषित किया गया था। यह पुष्टि करने थे कि टी सीरीज और सिने वन वीडियो फिल्म का निर्माण करते रहे नवोदित वर्धन केतकर निर्देशक के रूप में घोषणा की। सिद्धार्थ मल्होत्रा को सबसे पहले मृणाल ठाकुर के साथ मुख्य भूमिका के रूप में घोषित किया गया था। फिल्मांकन 20 नवंबर 2020 को रिलीज की तारीख के साथ 2020 में मध्य के शुरू होता है, लेकिन मार्च 2020 में अंत में कोरोना वायरस के बकरियों के बाद इसे स्थानांतरित कर दिया गया था अज्ञात कारणों से और परियोजना को रोक दिया गया था। जुलाई 2021 में निर्माताओं ने इन्हें लीड के रूप में आदित्य रॉय कपूर के साथ प्रपोजर के पुनरुत्थान के रूप में कि बाद में सितंबर 2021 में मृणाल ठाकुर को योजना का हिस्सा बनने की पुष्टि की। वेदिका पिंटो को आदित्य के विपरीत प्रेम रुचि के कारण प्रदर्शित होने के लिए चुना गया था। रणित राय और नवजीत कौर थिंड को भी फिल्म के महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए कास्ट किया गया था। फिल्मांकन अक्टूबर 2021 में दर्शक के अवसर पर फिल्मांकन शुरू हुआ। 2 जुलाई 2022 में मुंबई में शुरू हुआ जिसमें ठाकुर रणित राय के साथ शूटिंग में शामिल हुए। टीम ने जुलाई 2022 में फिल्मांकन पूरा किया। मिथुन विशाल मिश्रा, तनिष्क बाक्षी और मोहित बाक्षी ने फिल्म के लिए गाने तैयार किए हैं। विशाल मिश्रा द्वारा गायक संगीतबद्ध और लिखा गया पहला एकल शीर्षक सोनिया जी मार्च 14, 2023 को जारी किया गया था। 18 मार्च 2023 को धनिष बाक्षी द्वारा रचित और अरमान मालिक जहर एस खान और महान सलमा आगा घर नहीं जाना नामक एक और गीत जारी किया गया। तीसरी एकल शीर्षक उल्लास है के बंदे 31 मार्च 2023 को जारी किया गया था और शीर्षक ट्रैक 5 अप्रैल 2023 को जारी किया गया था। द टाइम्स ऑफ इंडिया ने धवल रॉय ने फिल्म को 5.5 स्टार दिया और लिखा एक आकर्षण प्लॉट ट्विस्ट और टर्न और अच्छी कहानी कहने के समूह थिएटर में जाने लायक है। विकलांग के ऋषि ने फिल्म को 5 में से 3.5 सितारे दी और व्यावसायिक थ्रिलर के तत्वों के साथ फिल्म को बहुत खूबसूरत करार दिए। फर्स्ट वार गणेश ने अलविदा फिल्म के लिए और एक कहते हुए 3 सितारे दिए और लिखा जबकि ठोस मोड और भीड़ वाली कहानी रोमांचक लगती है। फिल्म में मनोरंजक तौर और तेज पटका था कि कभी वह गुमराह के दूसरे स्तर पर ले जाते हैं। बॉक्स ऑफिस ये दुनिया भर में 1.22 करोड़ की कमाई के साथ बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप नहीं, ओपनिंग रिकॉर्ड 5.93 करोड़ था। 27 अप्रैल 2023 तक फिल्म ने भारत में 9.86 करोड़ और विदेश में 0.82 करोड़ की कमाई के दुनिया भर में 10.68 करोड़ की सकल संग्रह किया है। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस रूप कमजोर प्रदर्शन किया। प्रवेश करने के बाद नौकर 3 गोलियों की आवाज़ सुनता है और कमरे में भागता है ये देखने के लिए कि विक्रम की छाती पर 3 गोलियां लगी हैं और रुस्तम हाथ में पिस्तौल लेकर चला रहा है। रुस्तम तुरंत पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर देता है और वरिष्ठ निरीक्षक वेंकट लंबो जाँच शुरू कर देते हैं। विकट की बहन प्रीति
मखीजा सरकारी वकील लक्ष्म मखीजा से रुस्तम को कड़ी से कड़ी सजा लेने लिए मिलती है। रुस्तम किसी भी की मदद लेने के लिए कर देते हैं और अपने दम पर कैसे लड़ने का फैसला करता है। पुलिस हिरासत की तरह नरजीत देता है। रुस्तम के वरिष्ठ नौसेना अधिकारी रियम एडमिरल मिलर ने सीखते हैं कि वो हरी हुई सीथिया रुस्तम को सूचित करता है के लिए जारी लगता है, जो अंत में सीथिया से मिलता है और उसकी कहानी सुनता है, जो कैसे वो अकेले और परेशान जी जब रुस्तम को कई महीने के लिए लंदन चला गया है। प्रीति की मिली भगत से विक्रम ने सीथिया के अकेलेपन का फायदा उठाया और वो उसके पैरों पड़ गए। हालांकि विक्रम की हत्या के दिन सीथिया ने अपने शादी की आखिरी खातिर पहले ही उसे मन तोड़ लिया था। उसके साथ टूटने के बाद उसे विक्रम द्वारा थप्पड़ मारा जाता है। घायल हो गया विक्रम के घर से बाहर चला गया। रुस्तम के निर्देश पर सीथिया कमर को आवश्यक दस्तावेजों के बदले 5 करोड़ के लिए ब्लैकमेल करती है। अदालत की सुनवाई है। रुस्तम अप्रत्याशित रूप से न्यायाधीश पटेल के सामने दोषी नहीं होने का अनुरोध करता है, जिसके परिणाम स्वरूप 9 सदस्यों जूरी परीक्षण होता है। मुकदमे में साबित पर रुस्तम को जूरी द्वारा दोषी नहीं पाया गया क्योंकि उसने आत्मरक्षा के विक्रम को गोली मार दी थी। इस बीच ये पता चलता है कि लंबो दिल्ली में था और रुस्तम द्वारा किए गए ट्रक कॉल की रिकॉर्डिंग प्राप्त करने के लिए बक्शी से मिला था। मुंबई में वापस आने पर ट्रक कॉल बजाया जाता है। लगभग सभी को विश्वास दिलाया जाता है कि रुस्तम दोषी है और जूरी के लिए उनके प्यार रायता करने के लिए अदालत कार्यवाही समाप्त हो जाता है। फैसले के दिन की पूर्व संध्या पर रुस्तम ने लंबो की बसी बताया। 1958 लंदन में एक विमान वाहक पैसा का निरीक्षण करने के लिए कई महीनों तक नौकर छा जिसे नौसेना खरीदना चाहती है, लेकिन निरीक्षा पर रुस्तम ने बताया कि यहाँ की परंपरा जंग था और इसीलिए जाने से वाले विधायक मातों को पीते के लिए विरोधी कहता है और उनके कामत के लिए साथ उन्हें ये कहते के लिए सिस्टम देते प्रयास किया कि बहुत समुद्र में चलने योग्य है। जब रुस्तम ने लंदन में बख्शी की सूचित करने का प्रयास किया तो बख्शी ने उन्हें रुस्तम रिश्वत देने और भाव की भारत लेने की प्रयास करते हैं। विक्रम ने उसे मांगने की कोशिश की और रुस्तम ने गुस्से में उसे थप्पड़ मार दिया। यह मानते हुए कि उसने अपनी वर्दी का ताकत दिखाई है, विक्रम का रुस्तम को अपने पैसे की ताकत दिखाने के उससे बदला लेने के लिए सीथिया के डेट किया, लेकिन वास्तव में उसे कभी पसंद नहीं किया। रुस्तम विक्रम के प्रतिशोध से कोई धोकर नौसेना जहाज शस्त्र के पिस्तौल किए गए। फिर बख्शी को ये कहते हुए बुलाया कि वो विक्रम को बक्साने वाला नहीं है और उसके पास नौसेना के लिए वाहन की योजना की उजागर करने वाली कागजात है। रुस्तम फिर विक्रम के घर गया और उसे गोली मार दी। उसके बाद बख्शी ने कामत को दस्तावेज लाने के लिए भेजा और जो रुस्तम ने कहा कि उसके पास जो है बुलंबो द्वारा ट्रक कॉल की रिकॉर्डिंग के लिए कहने पर उसे अपने भ्रष्टाचार को छिपाने के लिए आधी रिकॉर्डिंग दे दी है। रुस्तम का कहना है कि उन्होंने विमान निर्माता पौधे के पोत के बाद उसे ही नहीं बताया ताकि दोनों सेना की छवि खराब ना करे। रुस्तम तब खुलासा करते हैं कि वास्तव में उसके पास बहाव के अस्त होने के प्रयास से संबंधित कोई मानवता नहीं था। लेकिन अगले दिन प्रेस को बताता है कि वो एक साधारण ग्रामीण था जो उत्पाद शुल्क का अर्थ भी नहीं समझाता था। सुबह शुल्क बिक्री कर वो सब जानता था कि उसका व्यवसाय था, लेकिन भ्रष्ट नेतृत्व ने यह सुनिश्चित किया कि वो ग्रामीण एक आमिर व्यापारी ना बन जाए। वर्णान स्वरूप उन्हें भ्रष्टोपचारों के लिप्त होना पड़ा। यह सरकार की उसके खिलाफ 29 आरोपों से 23 को हटाने के लिए मजबूर करता है। उन पर संबंधित 2 आरोपों के लिए 6.3 बिलियन की कमाई की है और जुर्मानों के आरोप लगाया गया है, जो साबित करता है कि अनुमोद के अपनी कंपनी के फंसाने के लिए फिल्मों की शक्ति के धारकों को बताते हुए गुरु के साथ समाप्त होती है कि उनके पिता गलत साबित हुए थे क्योंकि उन्होंने कहा था कि सपने सच नहीं होते हैं, लेकिन वे सभी अब भारत की सबसे बड़ी कंपनी का हिस्सा है। गुरु उससे पूछते हैं कि क्या उन्हें रोकना चाहिए। शेयरधारक उसके बजाय दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी बनने की इकरार करने के लिए कल्पना लेते हैं। फिल्म वासुदेव शास्त्री का शुरू होती है, जो एक जूनियर रॉ एजेंट एंड एनालिसिस विंग एजेंट से जिसे अक्षम करार दिया जाता है क्योंकि वो एक महत्वपूर्ण मिशन में विफल हो गया था और फिर उस काम पर रखने के लिए खुद को घायल कर लिया था। बाद में जब वो उदास मार्क पार्क से बैठता है, नंदिनी उसके जीवन का प्यार उसे सांत्वना देती है। इसके बाद फिल्म फ्लैशबैक में जाती है जहाँ वासुदेव शास्त्री जो एक टॉपर लेकिन आकर्षक व्यक्ति जो आईआईटी में आता है, जहाँ दूसरी
रेप पाने के नंदिनी चौहान ईर्षा से बाहर आकर अपने निजी जीवन को नरक बनाने का फैसला करते हैं। वो लगातार उससे नफरत करती है लेकिन बसु हर बार उसे मात दे देता है। केसर के आसपास दोस्तों ना जूनियर होने के अलावा वो गुप्त रूप से रॉ के लिए अंशकालिक काम करने वाली अपनी हैकिंग प्रभावी का उपयोग करता है। वर्तमान समय में माइकल ने स्टेशन पर आदित्य को बताया कि घर के जलने की बात अपने जेसी के गला घोट दिए। वो फिर चला जाता है ताकि अशोक अपना मुठभेड़ कर सके। हालांकि जाने से पहले माइकल आगेश को हैप्पी सोल्स्टाइज कहते हैं, जिसमें आगोश को एक एहसास होता है कि वो आदित्य से बदला लेने के पीछे का कारण, क्योंकि आदित्य प्रत्येक हत्या से पहले आगेश को बुला रहा था और एक ही बात कर रहा था। आगेश आदित्य को उसी पुल पर ले जाता है जहाँ उसे शुरू होता है, जहाँ आदित्य उसे बताता है कि माइकल और उसके दैत्यों ने मारा सारा को मार डाला। उसी समय माइकल घर जाता है और देखता है कि टेरेसा उसे छोड़ने वाली है। माइकल मानसिक रूप से टूट जा चुका है और उसकी हत्या करने का प्रयास करता है। हत्या की जांच करने का काम सौंपा गया है और उसे दो हमशक्ल संदिग्ध मिलते हैं जो एक दूसरे के अस्तित्व को नहीं जानते हैं। शिवानी के लिए चीज़ें तब और जटिल हो जाती है जब उन्हें मामले के बारे में नए तथ्य पता चलता है। ढालना आदित्य रॉय कपूर, अर्जुन सहगल, सूरज राणा दोहरी भूमिका, मीनाल ठाकुर सब इंस्पेक्टर, शिवानी माथुर के रूप में एजीबी धोरन, यादव के रूप में धोरित रॉय, जाह्नवी के रूप में वेदिका पिंटो, सहगल के रूप में किया खन्ना, पृथ्वी के रूप में मोहित आनंद, एडवोकेट जीवी के रूप में इवान डडिंट, रेड्डी के रूप में दीपक कालरा, नवनीत कौर थिंग, लड़के के रूप में अक्षय भावक जो चंडी को मामला दर्ज करता है। 2019 की थमन की रिलीज के बाद ऐसी अफवाह थी कि ये एक हिंदी रीमेक का कर रही थी। 4 मार्च 2020 को फिल्म का आधिकारिक तौर पर सोशल मीडिया के माध्यम से भूषण कुमार और सूरज मुरत खेतानी द्वारा एक अनाथ अवराध थ्रिलर के रूप में घोषित किया गया था। यह पुष्टि करने थे कि टी सीरीज और सिने वन वीडियो फिल्म का निर्माण करते रहे हैं। नवोदित वर्धन केतकर निर्देशक के रूप में घोषणा की। सिद्धार्थ मल्होत्रा को सबसे पहले मृणाल ठाकुर के साथ मुख्य भूमिका के रूप में घोषित किया गया था। फिल्मांकन 20 नवंबर 2020 को रिलीज की तारीख के साथ 2020 में मध्य के शुरू होता है, लेकिन मार्च 2020 में अंत में कोरोना वायरस के बकरी के बाद इसे स्थानांतरित कर दिया गया था। अज्ञात कारणों से और परियोजना को रोक दिया गया था। जुलाई 2021 में निर्माताओं ने इन्हें लीड के रूप में आदित्य रॉय कपूर के साथ प्रपोजर के पुनरुत्थान के रूप में कि बाद में सितंबर 2021 में मृणाल ठाकुर को योजना का हिस्सा बनने की पुष्टि की। वेदिका पिंटो को आदित्य के विपरीत प्रेम रुचि के कारण प्रदर्शित होने के लिए चुना गया था। रोनित रॉय और नवजीत कौर थिंड को भी फिल्म के महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए कास्ट किया गया था। फिल्मांकन अक्टूबर 2021 दशहरा के अवसर पर फिल्मांकन शुरू हुआ। 2 मई 2022 में मुंबई में शुरू हुआ, जिसमें ठाकुर रोनित रॉय के साथ शूटिंग में शामिल हुए। टीम ने जुलाई 2022 में फिल्मांकन पूरा किया। मिथुन विशाल मिश्रा, तनिष्क बाक्षी और मोहित बाक्षी ने फिल्म के लिए गाने तैयार किए हैं। विशाल मिश्रा द्वारा गायक संगीतबद्ध और लिखा गया पहला एकल शीर्षक सोनिया जी मार्च 14, 2023 को जारी किया गया था। 18 मार्च 2023 को धनी से बातचीत और अजीत और अरमान मालिक, जहर एस खान और महल सलमा आगा द्वारा गाए गए घर नहीं जाना नामक एक और गीत जारी किया गया। तीसरी एकल शीर्षक उल्लास है के बंदित 31 मार्च 2023 को जारी किया गया था और शीर्षक ट्रैक 5 अप्रैल 2023 को जारी किया गया था। द टाइम्स ऑफ इंडिया ने धवल रॉय ने फिल्म को 5/5 स्टार दिया और लिखा, एक आकर्षण फ्लॉड ट्विस्ट और टर्न और अच्छी कहानी कहने के समूह थिएटर ने जाने लायक है। विकलांग के ऋषिक ने फिल्म को 5/5 सितारे दी और व्यावसायिक थ्रिलर के तत्वों के साथ फिल्म को बहुत खूबसूरत करार दिए। फर्स्ट वार गणेश ने अलविदा फिल्म के लिए और एक कहते हुए 3 सितारे दिए और लिखा, जबकि ठोस मोड और भीड़ वाली कहानी रोमांचक लगती है। फिल्म में मनोरंजक तौर और तेज पटका था कि कभी वह गुमराह के दूसरे स्तर पर ले जाते हैं। बॉक्स ऑफिस ये दुनिया भर में 1.22 करोड़ की कमाई के साथ बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही। ओपनिंग रिकॉर्ड 5.93 करोड़ था। 27 अप्रैल 2023 तक फिल्म ने भारत में 9.86 करोड़ और विदेश में 0.82 करोड़ की कमाई के दुनिया भर में 10.68 करोड़ की सकल संग्रह किया है। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस रूप कमजोर प्रदर्शन किया। प्रवेश करने के बाद नौकर 3 गोलियों की आवाज़ सुनता है और कमरे में भागता है, ये देखने के लिए कि विक्रम की छाती पर 3 गोलियां लगी हैं और रुस्तम हाथ में पिस्तौल लेकर चला रहा है। रुस्तम तुरंत पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर देता है और वरिष्ठ निरीक्षक वेंकट लंबो जाँच शुरू कर देते हैं। विकट की बहन प्रीति
मखीजा सरकारी वकील मखीजा से रुस्तम को कड़ी से जाने लिए मिलती है। रुस्तम किसी भी की मदद लेने के लिए कर देते हैं और अपने दम पर कैसे लड़ने का फैसला करता है। पुलिस हिरासत की तरह नरजीत देता है। रुस्तम के वरिष्ठ नौसेना अधिकारी रियम एडमिरल मिलर ने सीखते हैं कि वो हरी हुई सीथिया रुस्तम को सूचित करता है के लिए जारी लगता है, जो अंत में सीथिया से मिलता है और उसकी कहानी सुनता है, जो कैसे वो अकेले और परेशान जी जब रुस्तम को कई महीने के लिए लंदन चला गया है। प्रीति की मिली भगत से विक्रम ने सीथिया के अकेलेपन का फायदा उठाया और वो उसके प्यारे पड़ गए। हालांकि विक्रम की हत्या के दिन सीथिया ने अपने शादी की आखिरी खातिर पहले ही उसे मन तोड़ लिया था। उसके साथ टूटने के बाद उसे विक्रम द्वारा थप्पड़ मारा जाता है। घायल हो गया विक्रम के घर से बाहर चला गया। रुस्तम के निर्देश पर सीथिया कमर को आवश्यक दस्तावेजों के बदले 5 करोड़ के लिए ब्लैकमेल करती है। अदालत की सुनवाई है। रुस्तम अप्रत्याशित रूप से न्यायाधीश पटेल के सामने दोषी नहीं होने का अनुरोध करता है, जिसके परिणाम स्वरूप 9 सदस्यों जूरी परीक्षण होता है। मुकदमे में साबित पर रुस्तम को जूरी द्वारा दोषी नहीं पाया गया क्योंकि उसने आत्मरक्षा के विक्रम को गोली मार दी थी। इस बीच ये पता चलता है कि लंबो दिल्ली में था और रुस्तम द्वारा किए गए ट्रक कॉल की रिकॉर्डिंग प्राप्त करने के लिए बक्शी से मिला था। मुंबई में वापस आने पर ट्रक कॉल बजाया जाता है। लगभग सभी को विश्वास दिलाया जाता है कि रुस्तम दोषी है और जूरी के लिए उनके प्यार रायता करने के लिए अदालत कार्यवाही समाप्त हो जाता है। फैसले के दिन की पूर्व संध्या पर रुस्तम ने लंबो की विषय बताया। 1958 लंदन में एक विमान वाहक पैसा का निरीक्षण करने के लिए कई महीनों तक नौकर छा जिसे नौसेना खरीदना चाहती है, लेकिन निरीक्षा पर रुस्तम ने बताया कि यह की परंपरा जंग था और इसीलिए जाने से वाले विधायक मातों को पीते के लिए विरोधी कहता है और उनके कामत के लिए साथ उन्हें ये कहते के लिए सिस्टम देते प्रयास किया कि बहुत समुद्र में चलने योग्य है। जब रुस्तम ने लंदन में बख्शी की सूचित करने का प्रयास किया तो बख्शी ने उन्हें रुस्तम रिश्वत देने और भाव की भारत लड़ने की प्रयास करते हैं। विक्रम ने उसे मांगने की कोशिश की और रुस्तम ने गुस्से में उसे थप्पड़ मार दिया। यह मानते हुए कि उसने अपनी वर्दी का ताकत दिखाई है, विक्रम का रुस्तम को अपनी पैसे की ताकत दिखाने के उससे बदला लेने के लिए सीथिया का डेट किया, लेकिन वास्तव में उसे कभी पसंद नहीं किया। रुस्तम विक्रम के प्रतिशोध से कोई धोकर नौसेना जहाज शस्त्र के पिस्तौल किए गए। फिर बख्शी को ये कहते हुए बुलाया कि वो विक्रम को बख्साने वाला नहीं है और उसके पास नौसेना के लिए वाहन की योजना की उजागर करने वाले कागजात है। रुस्तम फिर विक्रम के घर गया और उसे गोली मार दी। उसके बाद बख्शी ने कामत को दस्तावेज लाने के लिए भेजा और जो रुस्तम ने कहा कि उसके पास जो है बुलंबो द्वारा ट्रक कॉल की रिकॉर्डिंग के लिए कहने पर उसे अपने भ्रष्टाचार को छिपाने के लिए आधी रिकॉर्डिंग दे दी है। रुस्तम का कहना है कि उन्होंने विमान माधव पौधे के पोत के बाद कुछ ही नहीं बताया ताकि वो नौसेना की छवि खराब ना करे। रुस्तम तब खुलासा करते हैं कि वास्तव में उसके पास बहाव के अस्त होने के प्रयाण से संबंधित कोई मानवीयता नहीं था। लेकिन अगले दिन प्रेस को बताता है कि वो एक साधारण ग्रामीण था जो उत्पाद शुल्क का अर्थ भी नहीं समझाता था। सुमा शुल्क बिक्री कर वो सब जानता था कि उसका व्यवसाय था, लेकिन भ्रष्ट नेतृत्व ने यह सुनिश्चित किया कि वो ग्रामीण एक आमिर व्यापारी ना बन जाए। वर्णन स्वरूप उन्हें भ्रष्टोपचारों के लिप्त होना पड़ा। ये सरकार की उसके खिलाफ 29 आरोपों से 23 को हटाने के लिए मजबूर करता है। उन पर संवेदित 2 आरोपों के लिए 6.3 बिलियन की कमाई की है और जुर्मानों के आरोप लगाया गया है, जो साबित करता है कि अनुमोद के अपनी कंपनी के फंसाने के लिए फिल्मों की शक्ति के धारकों को बताते हुए गुरु के साथ समाप्त होती है कि उनके पिता गलत साबित हुए थे क्योंकि उन्होंने कहा था कि सपने सच नहीं होते हैं, लेकिन वे सभी अब भारत की सबसे बड़ी कंपनी का हिस्सा है। गुरु उससे पूछते हैं कि क्या उन्हें रोकना चाहिए। शेयरधारक उसके बजाय दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी बनने की इकरार करने के लिए कल्पना लेते हैं। फिल्म वासुदेव शास्त्री का शुरू होती है, जो एक जूनियर रॉ एजेंट एंड एनालिसिस विंग एजेंट से जिसे अक्षम करार दिया जाता है क्योंकि वो एक महत्वपूर्ण मिशन में विफल हो गया था और फिर काम पर रखने के लिए खुद को घायल कर लिया था। बाद में जब वो उदास मार्क पार्क से बैठता है, नंदिनी उसके जीवन का प्यार उसे सांत्वना देती है। इसके बाद फिल्म फ्लैशबैक में जाती है, जहां वासुदेव शास्त्री जो एक टॉपर लेकिन आकर्षक व्यक्ति जो आईआईटी में आता है, जहाँ दूसरी
रेप पाने के नंदिनी चौहान ईर्षा से बाहर आकर अपने निजी जीवन को नरक बनाने का फैसला करते हैं। वो लगातार उससे नफरत करती है, लेकिन बसु हर बार उसे मात दे देता है। केसर के आसपास दोस्तों जूनियर होने के अलावा वो गुप्त रूप से रॉ के लिए अंशकालिक काम करने वाली अपनी हैकिंग प्रभावी का उपयोग करता है। वर्तमान समय में माइकल ने स्टेशन पर आदित्य को बताया कि घर के जलने की बात अपने जेसी के गला घोट दिया। वो फिर चला जाता है ताकि अशोक अपना मुठभेड़ कर सके। हालांकि जाने से पहले माइकल आगेश को हैप्पी सोलस्टाइज कहते हैं, जिसमें आगोश को एक एहसास होता है कि वो आदित्य से बदला लेने के पीछे का कारण, क्योंकि आदित्य प्रत्येक हत्या से पहले आगेश को बुला रहा था और एक ही बात कर रहा था। आगेश आदित्य को उसी पुल पर ले जाता है जहां उसे शुरू होता है, जहां आदित्य उसे बताता है कि माइकल और उसके दोस्तों ने सारा को मार डाला। उसी समय माइकल घर जाता है और देखता है कि टेरेसा उसे छोड़ने वाली है। माइकल मानसिक रूप से टूट जा चुका है और उसकी हत्या करने का प्रयास करता है। हत्या की जांच करने का काम सौंपा गया है और उसे दो हमशक्ल संदिग्ध मिलते हैं जो एक दूसरे के अस्तित्व को नहीं जानते हैं। शिवानी के लिए चीज़ें तब और जटिल हो जाती हैं जब हमें मामले के बारे में नए तथ्य पता चलता है। धालना आदित्य रॉय कपूर, अर्जुन सहगल, सूरज राणा दोहरी भूमिका, मीनाल ठाकुर सब इंस्पेक्टर, शिवानी माथुर के रूप में एसीपी धोरेन, यादव के रूप में दोहरी रॉय, जाह्नवी के रूप में वेदिका पिंटो, सहगल के रूप में किया खन्ना, पृथ्वी के रूप में मोहित आनंद, एडवोकेट जीवी के रूप में इवान डडिंट, रेड्डी के रूप में दीपक कालरा, नवनीत कौर थिंग, लड़के के रूप में अक्षय भावक जो चंडी को मामला दर्ज करता है। 2019 की थमन की रिलीज के बाद ऐसी अफवाह थी कि ये एक हिंदी रीमेक का कर रही थी। 4 मार्च 2020 को फिल्म का आधिकारिक तौर पर सोशल मीडिया के माध्यम से भूषण कुमार और मुराद खेतानी द्वारा एक अनाथ अवरात थ्रिलर के रूप में घोषित किया गया था। यह पुष्टि करने थे कि टी सीरीज और सिने वन वीडियो फिल्म का निर्माण करते रहे नवोदित वर्धन केतकर निर्देशक के रूप में घोषणा की। सिद्धार्थ मल्होत्रा को सबसे पहले मृणाल ठाकुर के साथ मुख्य भूमिका के रूप में घोषित किया गया था। फिल्मांकन 20 नवंबर 2020 को रिलीज की तारीख के साथ 2020 में अंत के शुरू होता है, लेकिन मार्च 2020 में अंत में कोरोना वायरस के बकरियो के बाद इसे स्थानांतरित कर दिया गया था अज्ञात कारणों से और परियोजना को रोक दिया गया था। जुलाई 2021 में निर्माताओं ने इन्हें लीड के रूप में आदित्य रॉय कपूर के साथ प्रपोजर के पुनरुत्थान के रूप में कि बाद में सितंबर 2021 में मृणाल ठाकुर को योजना का हिस्सा बनने की पुष्टि की। वेदिका पिंटो को आदित्य के विपरीत प्रेम रुचि के कारण प्रदर्शित होने के लिए चुना गया था। रोनित रॉय और नवजीत कौर थिंड को भी फिल्म के महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए कास्ट किया गया था। फिल्मांकन अक्टूबर 2021 दशहर के अवसर पर फिल्मांकन शुरू हुआ। 2 जुलाई 2022 में मुंबई में शुरू हुआ, जिसमें ठाकुर रोनित रॉय के साथ शूटिंग में शामिल हुए। टीम ने 2 जुलाई 2022 में फिल्मांकन पूरा किया। मिथुन विशाल मिश्रा, तनिष्क बाग्ची और मोहित बाग्ची ने फिल्म के लिए गाने तैयार किए हैं। विशाल मिश्रा द्वारा गायक संगीतबद्ध और लिखा गया पहला एकल शीर्षक सोनिया जी मार्च 14, 2023 को जारी किया गया था। 18 मार्च 2023 को तनिष्क बाग्ची द्वारा अजीत और अरमान मालिक, अजहर एस खान और सलमा आगा गाय घर नहीं जाना नामक एक और गीत जारी किया गया। तीसरी एकल शीर्षक उल्लास है के बंदित 31 मार्च 2023 को जारी किया गया था और शीर्षक ट्रैक 5 अप्रैल 2023 को जारी किया गया था। द टाइम्स ऑफ इंडिया ने धवल रॉय ने फिल्म को 5.5 स्टार दिया और लिखा, एक आकर्षण प्लॉट ट्विस्ट और टर्न और अच्छी कहानी कहने के समूह थिएटर में जाने लायक है। विकलांग के ऋषि ने फिल्म को 5 में से 3.5 सितारे दी और व्यावसायिक थ्रिलर के तत्वों के साथ फिल्म को बहुत खूबसूरत करार दिए। फर्स्ट वार गणेश ने अलविदा फिल्म के लिए और एक कहते हुए 3 सितारे दिए और लिखा, जबकि ठोस मोड़ और भीड़ वाली कहानी रोमांचक लगती है। फिल्म में मनोरंजक तौर और तेज पटका था कि कभी वह गुमराह के दूसरे स्तर पर ले जाते हैं। बॉक्स ऑफिस ये दुनिया भर में 1.22 करोड़ की कमाई के साथ बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही। ओपनिंग रिकॉर्ड 5.93 करोड़ था। 27 अप्रैल 2023 तक फिल्म ने भारत में 9.86 करोड़ और विदेश में 0.82 करोड़ की कमाई के दुनिया भर में 10.68 करोड़ की सकल संग्रह किया है। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस रूप कमजोर प्रदर्शन किया। प्रवेश करने के बाद नौकर 3 गोलियों की आवाज़ सुनता है और कमरे में भागता है, ये देखने के लिए कि विक्रम की छाती पर 3 गोलियां लगी हैं और रुस्तम हाथ में पिस्तौल लेकर चला रहा है। रुस्तम तुरंत पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर देता है और वरिष्ठ निरीक्षक वेंकट लंबो जाँच शुरू कर देते हैं। विकट की बहन प्रीति
मखीजा सरकारी वकील लक्ष्म मखीजा से रुस्तम को कड़ी सजा लेने लिए मिलती है। रुस्तम किसी भी की मदद लेने के लिए कर देते हैं और अपने दम पर कैसे लड़ने का फैसला करता है। पुलिस हिरासत की तरह नर्जी देता है। रुस्तम के वरिष्ठ नौसेना अधिकारी रियम एडमिरल मिलर ने सीखते हैं कि वो हरी हुई सीथिया रुस्तम को सूचित करता है कि लिए जारी लगता है, जो अंत में सीथिया से मिलता है और उसकी कहानी सुनता है, जो कैसे वो अकेले और परेशान जी जब रुस्तम को कई महीने के लिए लंदन चला गया है। प्रीति की मिली भगत से विक्रम ने सीथिया के अकेलेपन का फायदा उठाया और वो उसके पैरों पड़ गए। हालांकि विक्रम की हत्या के दिन सीथिया ने अपनी शादी की आखिरी खातिर पहले ही उसे मन तोड़ लिया था। उसके साथ टूटने के बाद उसे विक्रम द्वारा थप्पड़ मारा जाता है, घायल हो गया, विक्रम के घर से बाहर चला गया। रुस्तम के निर्देश पर सीथिया कमर को आवश्यक तो दस्तावेजों के बदले 5 करोड़ के लिए ब्लैकमेल करती है। अदालत की सुनवाई है। रुस्तम अप्रत्याशित रूप से न्यायाधीश पटेल के सामने दोषी नहीं होने का अनुरोध करता है, जिसके परिणामस्वरूप 9 सदस्यों जूरी परीक्षण होता है। मुकदमे में साबित पर रुस्तम को जूरी द्वारा दोषी नहीं पाया गया क्योंकि उसने अंतिम कक्षा के विक्रम को गोली मार दी थी। इस बीच ये पता चलता है कि लंबो दिल्ली में था और रुस्तम द्वारा किए गए ट्रक कॉल के रिकॉर्डिंग प्राप्त करने के लिए बख्शी से मिला था। मुंबई में वापस आने पर ट्रक कॉल बजाया जाता है। लगभग सभी को विश्वास दिलाया जाता है कि रुस्तम दोषी है और जूरी के लिए उनके प्यार रायता करने के लिए अदालत कार्यवाही समाप्त हो जाता है। फैसले के दिन की पूर्व संध्या पर रुस्तम ने लंबो की भाषा बताया। 1958 लंदन में एक विमान वाहक पैसा का निरीक्षण करने के लिए कई महीनों तक नौकर था, जिसे नौसेना खरीदना चाहती है। लेकिन निरीक्षा पर रुस्तम ने पाया कि यह की परंपरा जंग था और इसीलिए जाने से वाले विधायक मातों को पीते के लिए विरोधी कहता है और उसके कामत के लिए साथ उन्हें ये कहते के लिए सिस्टम देते प्रयास किया कि बहुत समुद्र में चलने योग्य है। जब रुस्तम ने लंदन में बख्शी की सूचित करने का प्रयास किया तो बख्शी ने उन्हें रुस्तम रिश्वत देने और भाव की भारत लेने की प्रयास करते। विक्रम ने उसे मांगने की कोशिश की और रुस्तम ने गुस्से में उसे थप्पड़ मार दिया। यह मानते हुए कि उसने अपनी वर्दी की ताकत दिखाई है, विक्रम का रुस्तम को अपनी पैसे की ताकत दिखाने के उससे बदला लेने के लिए सीथिया के डेट किया, लेकिन वास्तव में उसे कभी पसंद नहीं किया। रुस्तम विक्रम के प्रतिशोध से कोई धोकर नौसेना जहाज शस्त्र के पिस्तौल किए गए। फिर बख्शी को यह कहते हुए बुलाया कि वो विक्रम को बख्शाने वाला नहीं है और उसके पास नौसेना के लिए वाहन योजना की उजागर करने वाली कागजात है। रुस्तम फिर विक्रम के घर गया और उसे गोली मार दी। उसके बाद बख्शी ने कामत को दस्तावेज लाने के लिए भेजा और जो रुस्तम ने कहा कि उसके पास जो है बुलंबो द्वारा ट्रक कॉल की रिकॉर्डिंग के लिए कहने पर उसे अपने भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए आधी रिकॉर्डिंग दे दी है। रुस्तम का कहना है कि उन्होंने विमान माधव मोदी के पोत के बाद कुछ ही नहीं बताया ताकि दोनों सेना की छवि खराब ना करे। रुस्तम तब खुलासा करते हैं कि वास्तव में उसके पास बहाव के अस्थि अस्त होने के प्रयाण से संबंधित कोई मानवता नहीं था। लेकिन अगले दिन प्रेस को बताता है कि वो एक साधारण ग्रामीण था जो उत्पाद शुल्क का अर्थ भी नहीं समझा था। सुबह शुल्क बिक्री कर वो सब जानता था कि उसका व्यवसाय था, लेकिन भ्रष्ट नियंत्रक ने यह सुनिश्चित किया कि वो ग्रामीण एक आमिर व्यापारी ना बन जाए। उदाहरणस्वरूप उन्हें भ्रष्ट उपचारणों के लिप्त होना पड़ा। ये सरकार की उसके खिलाफ 29 आरोपों से 23 को हटाने के लिए मजबूर करता है। उन पर संबंधित 2 आरोपों के लिए 6.3 बिलियन की कमाई की है और जुर्मानों के आरोप लगाया गया है, जो साबित करता है कि अनुमोद के अपनी कंपनी के फंसाने के लिए फिल्मों की शक्ति के धारकों को बताते हुए गुरु के साथ समाप्त होती है कि उनके पिता गलत साबित हुए थे क्योंकि उन्होंने कहा था कि सपने सच नहीं होते हैं, लेकिन वे सभी अब भारत की सबसे बड़ी कंपनी का हिस्सा है। गुरु उससे पूछते हैं कि क्या उन्हें रोकना चाहिए। शेयरधारक उसके बजाय दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी बनने की इकरार करने के लिए कल्पना लेते हैं। फिल्म वासुदेव शास्त्री का शुरू होती है, जो एक जूनियर रॉ एजेंट एंड एनालिसिस विंग एजेंट से जिसे अक्षम करार दिया जाता है क्योंकि वो एक महत्वपूर्ण मिशन में विफल हो गया था और फिर उस काम पर रखने के लिए खुद को घायल कर लिया था। बाद में जब वो उदास मार्क पार्क से बैठता है, नंदिनी उसके जीवन का प्यार उसे सांत्वना देती है। उसके बाद फिल्म फ्लैशबैक में जाती है, जहां वासुदेव शास्त्री जो एक टॉपर लेकिन आकर्षक व्यक्ति जो आईआईटी में आता है, जहां दूसरी
रेप पाने के नंदिनी चौहान ईर्षा से बाहर आकर अपने निजी जीवन को नरक बनाने का फैसला करते हैं। वो लगातार उससे नफरत करती है, लेकिन बसु हर बार उसे मात दे देता है। केसर के आसपास दोस्तों जूनियर होने के अलावा वो गुप्त रूप से रॉ के लिए अंशकालिक काम करने वाली अपनी हैकिंग प्रभावी का उपयोग करता है। वर्तमान समय में माइकल ने स्टेशन पर आदित्य को बताया कि घर के जलने की बात अपने जेसी के गला घोट दिए वो फिर चला जाता है ताकि अशोक अपना मुठभेड़ कर सके। हालांकि जाने से पहले माइकल आगेश को हैप्पी सोल्स्टाइज कहते हैं, जिसमें आगेश को एक एहसास होता है कि वो आदित्य से बदला लेने के पीछे का कारण, क्योंकि आदित्य प्रत्येक हत्या से पहले आगेश को बुला रहा था और एक ही बात कर रहा था। आगेश आदित्य को उसी पुल पर ले जाता है जहाँ उसे शुरू होता है, जहां आदित्य उसे बताता है कि माइकल और उसके दोस्तों ने सारा को मार डाला। उसी समय माइकल घर जाता है और देखता है कि टेरेसा उसे छोड़ने वाली है। माइकल मानसिक रूप से टूट जा चुका है और उसकी हत्या करने का प्रयास करता है। हत्या की जांच करने का काम सौंपा गया है और उसे दो हमशक्ल संदिग्ध मिलते हैं जो एक दूसरे के अस्तित्व को नहीं जानते हैं। शिवानी के लिए चीज़ें तब और जटिल हो जाती है जब हमें मामले के बारे में नए तथ्य पता चलता है। धालना आदित्य रे कपूर, अर्जुन सहगल, सूरज राणा दोहरी भूमिका, मीनाल ठाकुर सब इंस्पेक्टर, शिवानी माथुर के रूप में एसीपी धोरेन, यादव के रूप में नवनीत रॉय, जाह्नवी के रूप में भेदिका पिंटो, सहगल के रूप में किया खन्ना, पृथ्वी के रूप में मोहित आनंद, एडवोकेट जीवी के रूप में इवान डडिंट, रेड्डी के रूप में दीपक कालरा, नवनीत कौर थिंग, लड़के के रूप में अक्षय भावक जो चंडी को मामला दर्ज करता है। 2019 की थमन की रिलीज के बाद ऐसी अफवाह थी कि ये एक हिंदी रीमेक का कर रही थी। 4 मार्च 2020 को फिल्म का आधिकारिक तौर पर सोशल मीडिया के माध्यम से भूषण कुमार और मुराद खेतानी द्वारा एक अनाथ अवराध थ्रिलर के रूप में घोषित किया गया था। यह पुष्टि करने थे कि टी सीरीज और सिने वन वीडियो फिल्म का निर्माण करते रहे नवोदित वर्धन केतकर निर्देशक के रूप में घोषणा की। सिद्धार्थ मल्होत्रा को सबसे पहले मृणाल ठाकुर के साथ मुख्य भूमिका के रूप में घोषित किया गया था। फिल्मांकन 20 नवंबर 2020 को रिलीज की तारीख के साथ 2020 में मध्य से शुरू होता है, लेकिन मार्च 2020 में अंत में कोरोना वायरस के बकरियों के बाद इसे स्थानांतरित कर दिया गया था। अज्ञात कारणों से और परियोजना को रोक दिया गया था। जुलाई 2021 में निर्माताओं ने इन्हें लीड के रूप में आदित्य रॉय कपूर के साथ प्रपोजर के पुनरुत्थान के रूप में कि बाद में सितंबर 2021 में मृणाल ठाकुर को योजना का हिस्सा बनने की पुष्टि की। वेदिका पिंटो को आदित्य के विपरीत प्रेम रुचि के कारण प्रदर्शित होने के लिए चुना गया था। रौनित राय और नवजीत कौर थिंड को भी फिल्म के महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए कास्ट किया गया था। फिल्मांकन अक्टूबर 2021 दशहरा के अवसर पर फिल्मांकन शुरू हुआ। 2 मई 2022 में मुंबई में शुरू हुआ, जिसमें ठाकुर रौनित राय के साथ शूटिंग में शामिल हुए। टीम ने जुलाई 2022 में फिल्मांकन पूरा किया। मिथुन विशाल मिश्रा, तनिष्क बाक्षी और मोहित बाक्षी ने फिल्म के लिए गाने तैयार किए हैं। विशाल मिश्रा द्वारा गायक संगीतबद्ध और लिखा गया पहला एकल शीर्षक सोनिया जी मार्च 14, 2023 को जारी किया गया था। 18 मार्च 2023 को दनिश बाक्षी द्वारा अजीत और अरमान मालिक, अजहर एस खान और सलमा आगा गाय घर नहीं जाना नामक एक और गीत जारी किया गया। तीसरी एकल शीर्षक उल्लास है के बंदित 31 मार्च 2023 को जारी किया गया था और शीर्षक ट्रैक 5 अप्रैल 2023 को जारी किया गया था। द टाइम्स ऑफ इंडिया ने धवल राय ने फिल्म को 5/5 स्टार दिया और लिखा, एक आकर्षण फ्लॉड ट्विस्ट और टर्न और अच्छी कहानी कहने के समूह थिएटर ने जाने लायक है। विकलांग के ऋषि ने फिल्म को 5/5 सितारे दी और व्यावसायिक थ्रिलर के तत्वों के साथ फिल्म को बहुत खूबसूरत करार दिए। फर्स्ट वार गणेश ने अलवदा फिल्म के लिए और एक कहते हुए 3 सितारे दिए और लिखा, जबकि ठोस मोड़ और भीड़ वाली कहानी रोमांचक लगती है। फिल्म में मनोरंजक तौर और तेज पटका था कि कभी वह गुमराह के दूसरे स्तर पर ले जाती है। बॉक्स ऑफिस ये दुनिया भर में 1.22 करोड़ की कमाई के साथ बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप नहीं, ओपनिंग रिकॉर्ड 5.93 करोड़ था। 27 अप्रैल 2023 तक फिल्म ने भारत में 9.86 करोड़ और विदेश में 0.82 करोड़ की कमाई के दुनिया भर में 10.68 करोड़ की सकल संग्रह किया है। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस रूप कमजोर प्रदर्शन किया। प्रवेश करने के बाद नौकर 3 गोलियों की आवाज़ सुनता है और कमरे में भागता है, ये देखने के लिए कि विक्रम की छाती पर 3 गोलियां लगी हैं और रुस्तम हाथ में पिस्तौल लेकर चला रहा है। रुस्तम तुरंत पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर देता है और वरिष्ठ निरीक्षक वेंकट लंबो जाँच शुरू कर देते हैं। विकट की बहन प्रीति
मखीजा सरकारी वकील लक्ष्मण मखीजा से रुस्तम को कड़ी से कड़ी सजा लेने लिए मिलती है। रुस्तम किसी भी की मदद लेने के लिए कर देते हैं और अपने दम पर कैसे लड़ने का फैसला करता है। पुलिस हिरासत की तरह नर्जी देता है। रुस्तम के वरिष्ठ नौसेना अधिकारी रियम एडमिरल मिलर ने सीखते हैं कि वो हरी हुई सीथिया रुस्तम को सूचित करता है कि लिए जारी लगता है, जो अंत में सीथिया से मिलता है और उसकी कहानी सुनता है, जो कैसे वो अकेले और परेशान जी जब रुस्तम को कई महीने के लिए लंदन चला गया है। प्रीति की मिली भगत से विक्रम ने सीथिया के अकेलेपन का फायदा उठाया और वो उसके पैरों पड़ गए। हालांकि विक्रम की हत्या के दिन सीथिया ने अपनी शादी की आखिरी खातिर पहले ही उसे मन तोड़ लिया था। उसके साथ टूटने के बाद उसे विक्रम द्वारा थप्पड़ मारा जाता है, घायल हो गया, विक्रम के घर से बाहर चला गया। रुस्तम के निर्देश पर सीथिया कमल को आवश्यक दस्तावेजों के बदले 5 करोड़ के लिए ब्लैकमेल करती है। अदालत की सुनवाई है। रुस्तम अप्रत्याशित रूप से न्यायाधीश पटेल के सामने दोषी नहीं होने का अनुरोध करता है, जिसके परिणाम स्वरूप 9 सदस्यों जूरी परीक्षण होता है। मुकदमे साबित पर रुस्तम को जूरी द्वारा दोषी नहीं पाया गया क्योंकि उसने आत्मरक्षा के विक्रम को गोली मार दी थी। इस बीच ये पता चलता है कि लंबो दिल्ली में था और रुस्तम द्वारा किया गया ट्रक कॉल की रिकॉर्डिंग प्राप्त करने के लिए बख्शी से मिला था। मुंबई में वापस आने पर ट्रक कॉल बजाया जाता है। लगभग सभी को विश्वास दिलाया जाता है कि रुस्तम दोषी है और जूरी के लिए उनके प्यार रायता करने के लिए अदालत कार्यवाही समाप्त हो जाता है। फैसले के दिन की पूर्व संध्या पर रुस्तम ने लंबो की बसी बताया। 1958 लंदन में एक विमान वाहक पैसा का निरीक्षण करने के लिए कई महीनों तक नौकर था, जिसे नौसेना खरीदना चाहती है, लेकिन निरीक्षा पर रुस्तम ने बताया कि यह की परंपरा जंग था और इसीलिए जाने से वाले विधायक मातों को पीते के लिए विरोधी कहता है और उनके कामत के लिए साथ उन्हें ये कहते के लिए सिस्टम देते प्रयास किया कि बहुत समुद्र में चलने योग्य है। जब रुस्तम ने लंदन में बख्शी की सूचित करने का प्रयास किया तो बख्शी ने उन्हें रुस्तम रिश्वत देने और भाव की भारत लेने की प्रयास करते। विक्रम ने उसे मांगने की कोशिश की और रुस्तम ने गुस्से में उसे थप्पड़ मार दिया। यह मानते हुए कि उसने अपनी वर्दी की ताकत दिखाई है, विक्रम का रुस्तम को अपनी पैसे की ताकत दिखाने के उससे बदला लेने के लिए सीथिया के डेट किया, लेकिन वास्तव में उसे कभी पसंद नहीं किया। रुस्तम विक्रम के प्रतिशोध से कोई धोकर नौसेना जहाज शस्त्र के पिस्तौल किए गए। फिर बख्शी को ये कहते हुए बुलाया कि वो विक्रम को बख्शाने वाला नहीं है और उसके पास नौसेना के लिए वाहन की योजना की उजागर करने वाली कागजात है। रुस्तम फिर विक्रम के घर गया और उसे गोली मार दी। उसके बाद बख्शी ने कामत को दस्तावेज लाने के लिए भेजा और जो रुस्तम ने कहा कि उसके पास जो है बुलंबो द्वारा ट्रक कॉल की रिकॉर्डिंग के लिए कहने पर उसे अपने भ्रष्टाचार को छिपाने के लिए आधी रिकॉर्डिंग दे दी है। रुस्तम का कहना है कि उन्होंने विमान माधव पौधे के पोत के बाद उसे ही नहीं बताया ताकि वो नौसेना की छवि खराब ना करे। रुस्तम तब खुलासा करते हैं कि वास्तव में उसके पास बहाव के अस्त होने के परिणाम से संबंधित कोई मानवता नहीं था। लेकिन अगले दिन प्रेस को बताता है कि वो एक साधारण ग्रामीण था जो उत्पाद शुल्क का अर्थ भी नहीं समझाता था। सुबह शुल्क बिक्री कर वो सब जानता था कि उसका व्यवसाय था, लेकिन भ्रष्ट नियंत्रक ने यह सुनिश्चित किया कि वो ग्रामीण एक आमिर व्यापारी ना बन जाए। उदाहरणस्वरूप उन्हें भ्रष्ट उपचारों के लिप्त होना पड़ा। यह सरकार की उसके खिलाफ 29 अपराधों से 23 को हटाने के लिए मजबूर करता है। उन पर संबंधित 2 आरोपों के लिए 6.3 बिलियन की कमाई की है और जुर्मानों के आरोप लगाया गया है, जो साबित करता है कि अनुमोद के अपनी कंपनी के फंसाने के लिए फिल्मों की शक्ति के शेयरधारकों को बताते हुए गुरु के साथ समाप्त होती है कि उनके पिता गलत साबित हुए थे क्योंकि उन्होंने कहा था कि सपने सच नहीं होते हैं, लेकिन वे सभी अब भारत की सबसे बड़ी कंपनी का हिस्सा है। गुरु उससे पूछते हैं कि क्या उन्हें रोकना चाहिए। शेयरधारक उसके बजाय दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी बनने की इकरार करने के लिए कल्पना लेते हैं। फिल्म वासुदेव शास्त्री के शुरू होती है, जो एक जूनियर रॉ एजेंट एंड एनालिसिस विंग एजेंट से जिसे अक्षम करार दिया जाता है क्योंकि वो एक महत्वपूर्ण मिशन में विफल हो गया था और फिर काम पर रखने के लिए खुद को घायल कर लिया था। बाद में जब वो उदास मार्क पार्क से बैठता है, नंदिनी उसके जीवन का प्यार उसे सांत्वना देती है। उसके बाद फिल्म फ्लैशबैक में जाती है, जहां वासुदेव शास्त्री जो एक टॉपर लेकिन आकर्षक व्यक्ति जो आईआईटी में आता है, जहां दूसरी
रेप पाने के नंदिनी चौहान ईर्ष्या से बाहर आकर अपने निजीवन को नरक बनाने का फैसला करते हैं। वो लगातार उससे नफरत करती है लेकिन बसु हर बार उसे मात दे देता है। केसर के आसपास दोस्तों जूनियर होने के अलावा वो गुप्त रूप से रॉ के लिए अंशकालिक काम करने वाली अपनी हैकिंग प्रभावी का उपयोग करता है। वर्तमान समय में माइकल ने स्टेशन पर आदित्य को बताया कि घर के जलने की बात अपने जेसी के गला घोट दिए। वो फिर चला जाता है ताकि अशोक अपना मुठभेड़ कर सके। हालांकि जाने से पहले माइकल आगेश को हैप्पी सोल्स्टाइज कहते हैं, जिसमें आगेश को एक एहसास होता है कि वो आदित्य से बदला लेने के पीछे का कारण, क्योंकि आदित्य प्रत्येक हत्या से पहले आगेश को बुला रहा था और एक ही बात कर रहा था। आगेश आदित्य को उसी पुल पर ले जाता है जहाँ उसे शुरू होता है, जहाँ आदित्य उसे बताता है कि माइकल और उसके दैत्यों ने मारा सारा को मार डाला। उसी समय माइकल घर जाता है और देखता है कि टेरेसा उसे छोड़ने वाली है। माइकल मानसिक रूप से टूट जा चुका है और उसकी हत्या करने का प्रयास करता है। हत्या की जांच करने का काम सौंपा गया है और उसे दो हमशक्ल संदिग्ध मिलते हैं जो एक दूसरे के अस्तित्व को नहीं जानते। शिवानी के लिए चीजें तब और जटिल हो जाती है जब उन्हें मामले के बारे में नए तथ्य पता चलता है। ढालना आदित्य रे कपूर, अर्जुन सहगल, सूरज राणा दोहरी भूमिका, मीनाल ठाकुर सब इंस्पेक्टर, शिवानी माथुर के रूप में ए सी बी धोरियन, यादव के रूप में धोरी रॉय, जाह्नवी के रूप में वेदिका पिंटो, सहगल के रूप में किया खन्ना, पृथ्वी के रूप में मोहित आनंद, एडवोकेट जीवी के रूप में इवान डडिंट, रेड्डी के रूप में दीपक कालरा, नवनीत कौर थिंग, लड़के के रूप में अक्षय भावक जो चंडी को मामला दर्ज करता है। 2019 की थमन की रिलीज के बाद ऐसी अफवाह थी कि ये एक हिंदी रीमेक का कर रही थी। 4 मार्च 2020 को फिल्म को आधिकारिक तौर पर सोशल मीडिया के माध्यम से भूषण कुमार और सूरज मुरत खेतानी द्वारा एक अनाथ अवराध थ्रिलर के रूप में घोषित किया गया था। यह पुष्टि करने के लिए कि टी सीरीज और सिने वन वीडियो फिल्म का निर्माण करते रहे नवोदित वर्धन केतकर निर्देशक के रूप में घोषणा की। सिद्धार्थ मल्होत्रा को सबसे पहले मृणाल ठाकुर के साथ मुख्य भूमिका के रूप में घोषित किया गया था। फिल्मांकन 20 नवंबर 2020 को रिलीज की तारीख के साथ यह 20 में अंत के शुरू होता है, लेकिन मार्च 2020 में अंत में कोरोना वायरस के बकरियों के बाद इसे स्थानांतरित कर दिया गया था। अज्ञात कारणों से और परियोजना को रोक दिया गया था। जुलाई 2021 में निर्माताओं ने इन्हें लीड के रूप में आदित्य रॉय कपूर के साथ प्रपोजर के पुनरुत्थान के रूप में कि बाद में सितंबर 2021 में मृणाल ठाकुर को योजना का हिस्सा बनने की पुष्टि की। वेदिका फिल्टो को आदित्य के विपरीत प्रेम रुचि के कारण प्रदर्शित होने के लिए चुना गया था। रोनित राय और नवजीत कौर थिंड को भी फिल्म के महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए कास्ट किया गया था। फिल्मांकन अक्टूबर 2021 दशहर के अवसर पर फिल्मांकन शुरू हुआ। 2 जुलाई 2022 में मुंबई में शुरू हुआ, जिसमें ठाकुर रोनित राय के साथ शूटिंग में शामिल हुए। टीम ने जुलाई 2022 में फिल्मांकन पूरा किया। मिथुन विशाल मिश्रा, तनिष्क बाग्ची और मोहित बाग्ची ने फिल्म के लिए गाने तैयार किए हैं। विशाल मिश्रा द्वारा गायक संगीतबद्ध और लिखा गया पहला एकल शीर्षक सोनिया जी मार्च 14, 2023 को जारी किया गया था। 18 मार्च 2023 को धनिष बाग्ची द्वारा रचित और अरमान मालिक, अजहर एस खान और सलमा आगा घर नहीं जाना नामक एक और गीत जारी किया गया। तीसरी एकल शीर्षक उल्लास है के बंधित 31 मार्च 2023 को जारी किया गया था और शीर्षक ट्रैक 5 अप्रैल 2023 को जारी किया गया था। द टाइम्स ऑफ इंडिया ने धवल राय ने फिल्म को 5/5 स्टार दिया और लिखा एक आकर्षण फ्लॉड ट्विस्ट और टर्न और अच्छी कहानी कहने के समूह थिएटर ने जाने लायक है। विकलांग के ऋषि ने फिल्म को 5/5 सितारे दी और व्यावसायिक थ्रिलर के तत्वों के साथ फिल्म को बहुत खूबसूरत करार दिए। फर्स्ट वर्क गणेश ने अलवेदर फिल्म के लिए और एक कहते हुए 3 सितारे दिए और लिखा जबकि ठोस मोड़ और भीड़ वाली कहानी रोमांचक लगती है। फिल्म में मनोरंजक तौर और तेज पटका था कि कभी वह गुमराह के दूसरे स्तर पर ले जाते हैं। बॉक्स ऑफिस ये दुनिया भर में 1.22 करोड़ की कमाई के साथ बॉक्स ऑफिस पर खिलाफ नहीं ओपनिंग रिकॉर्ड 5.93 करोड़ था। 27 अप्रैल 2023 तक फिल्म ने भारत में 9.86 करोड़ और विदेश में 0.82 करोड़ की कमाई की दुनिया भर में 10.68 करोड़ की सकल संग्रह किया है। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस रूप में कमजोर प्रदर्शन किया। प्रवेश करने के बाद नौकर 3 गोलियों की आवाज़ सुनता है और कमरे में
भागता है ये देखने के लिए कि विक्रम की छाती पर 3 गोलियां लगी हैं और रुस्तम हाथ में पिस्तौल लेकर चला रहा है। रुस्तम तुरंत पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर देता है और वरिष्ठ निरीक्षक वेंकट लंबो जाँच शुरू कर देते हैं। विकट की बहन प्रीति मखीजा सरकारी वकील लक्ष्मण सखीजा से रुस्तम को कड़ी से कड़ी सजा लेने लिए मिलती है। रुस्तम किसी भी की मदद लेने के लिए कर देते हैं और अपने दम पर कैसे लड़ने का फैसला करता है। पुलिस हिरासत की तरह नजीत देता है। रुस्तम के वरिष्ठ नौसेना अधिकारी रियम एडमिरल मिलर ने सीखते हैं कि वो हरी हुई सीथिया रुस्तम को सूचित करता है के लिए जारी लगता है, जो अंत में सीथिया से मिलता है और उसकी कहानी सुनता है, जो कैसे वो अकेले और परेशान जी जब रुस्तम को कई महीने के लिए लंदन चला गया है। प्रीति की मिली भगत से विक्रम ने सीथिया के अकेलेपन का फायदा उठाया और वो उसके पैरों पर गए। हालांकि विक्रम की हत्या के दिन सीथिया ने अपनी शादी की आखिरी खातिर पहले ही उसे मन तोड़ लिया था। उसके साथ टूटने के बाद उसे विक्रम दर थप्पड़ मारा जाता है, घायल हो गया, विक्रम के घर से बाहर चला गया। रुस्तम के निर्देश पर सीथिया कमर को आवश्यक दस्तावेजों के बदले 5 करोड़ के लिए ब्लैकमेल करती है। अदालत की सुनवाई है। रुस्तम अप्रत्याशित रूप से न्यायाधीश पटेल के सामने दोषी नहीं होने का अनुरोध करता है, जिसके परिणाम स्वरूप 9 सदस्यों जूरी परीक्षण होता है। मुकदमे में साबित पर रुस्तम को जूरी द्वारा दोषी नहीं पाया गया क्योंकि उसने आत्मसुरक्षा के विक्रम को गोली मार दी थी। इस बीच ये पता चलता है कि लंबो दिल्ली में था और रुस्तम द्वारा किए गए ट्रक कॉल की रिकॉर्डिंग प्राप्त करने के लिए बख्शी से मिला था। मुंबई में वापस आने पर ट्रक कॉल बजाया जाता है। लगभग सभी को विश्वास दिलाया जाता है कि रुस्तम दोषी है और जूरी के लिए उनके प्यार रायता करने के लिए अदालत कार्यवाही समाप्त हो जाता है। फैसले के दिन की पूर्व संध्या पर रुस्तम ने लंबो की विशेषता 1958 लंदन में एक विमान वाहक पैसा का निरीक्षण करने के लिए कई महीनों तक नौकरी था, जिसे नौसेना खरीदना चाहती है। लेकिन निरीक्षा पर रुस्तम ने बताया कि यह की परंपरा जंग था और इसीलिए जाने से वाले विधायक मातो को पीते के लिए विरोधी कहता है और उसके कामत के लिए साथ उन्हें ये कहते के लिए सिस्टम देते प्रयास किया कि बहुत समुद्र में चलने योग्य है। जब रुस्तम ने लंदन में बख्शी की सूचित करने का प्रयास किया तो बख्शी ने उन्हें रुस्तम रिश्वत देने और भाव की भारत लड़ने की प्रयास करते। विक्रम ने उसे मारने की कोशिश की और रुस्तम ने गुस्से में उसे थप्पड़ मार दिया। यह मानते हुए कि उसने अपनी वर्दी की ताकत दिखाई है, विक्रम का रुस्तम को अपने पैसे की ताकत दिखाने के उससे बदला लेने के लिए सीथिया से डेट किया, लेकिन वास्तव में उसे कभी पसंद नहीं किया। रुस्तम विक्रम के प्रतिशोध से कोई धोकर नौसेना जहाज शस्त्र के पिस्तौल किए गए। फिर बख्शी को यह कहते हुए बुलाया कि वो विक्रम को बख्शाने वाला नहीं है और उसके पास नौसेना के लिए वाहन की योजना की उजागर करने वाली कागजात है। रुस्तम फिर विक्रम के घर गया और उसे गोली मार दी। उसके बाद उस बख्शी ने कामत को दस्तावेज लाने के लिए भेजा और जो रुस्तम ने कहा कि उसके पास जो है बुलंबो द्वारा ट्रक कॉल के रिकॉर्डिंग के लिए कहने पर उसे अपने भ्रष्टाचार को छिपाने के लिए आधी रिकॉर्डिंग दे दी है। रुस्तम का कहना है कि उन्होंने विमान माधव पौधे के पोत के बाद उसे ही नहीं बताया ताकि वो नौसेना की छवि खराब ना करे। रुस्तम तब खुलासा करते हैं कि वास्तव में उसके पास बहाव के असली कष्ट होने के प्रयास से संबंधित कोई मानवता नहीं था। लेकिन अगले दिन प्रेस को बताता है कि वो एक साधारण ग्रामीण था जो उत्पाद शुल्क का अर्थ भी नहीं समझाता था। सुमा शुल्क बिक्री कर वो सब जानता था कि उसका समस्या व्यवसाय था, लेकिन भ्रष्ट नियंत्रक ने यह सुनिश्चित किया कि वो ग्रामीण एक आमिर व्यापारी ना बन जाए। वर्णानुसरूप उन्हें भ्रष्ट उपचारों के लिप्त होना पड़ा। यह सरकार की उसके खिलाफ 29 आरोपों से 23 को हटाने के लिए मजबूर करता है। उन पर संबंधित 2 आरोपों के लिए 6.3 बिलियन की कमाई की है और जुर्मानों के आरोप लगाया गया है, जो साबित करता है कि अनुमोद के अपनी कंपनी के फंसाने के लिए फिल्मों की शक्ति के धारकों को बताते हुए गुरु के साथ समाप्त होती है कि उनके पिता गलत साबित हुए थे क्योंकि उन्होंने कहा था कि सपने सच नहीं होते हैं, लेकिन वे सभी अब भारत की सबसे बड़ी कंपनी का हिस्सा है। गुरु उससे पूछते हैं कि क्या उन्हें रोकना चाहिए। शेयरधारक उसके बजाय दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी बनने की इकरार करने के लिए कल्पना लेते हैं। फिल्म वासुदेव शास्त्री के शुरू होती है, जो एक जूनियर रॉ एजेंट एंड एनालिसिस विंग एजेंट से जिसे अक्षम करार दिया जाता है क्योंकि वो एक महत्वपूर्ण मिशन में विफल हो गया था और फिर काम पर रखने के लिए खुद को घायल कर लिया था। बाद में जब वो उदास मार्क पार्क से बैठता है, नंदिनी उसके जीवन का प्यार उसे सांत्वना देती है। इसके बाद फिल्म फ्लैशबैक में जाती है, जहां वासुदेव शास्त्री जो एक टॉपर लेकिन आकर्षक व्यक्ति जो
आईआईटी में आता है, जहां दूसरी रेप पाने के नंदिनी चौहान ईर्ष्या से बाहर आकर अपने निजी जीवन को नरक बनाने का फैसला करते हैं। वो लगातार उससे नफरत करती है, लेकिन बसु हर बार उसे मात दे देता है। केसर के आसपास दोस्तों ना जूनियर होने के अलावा वो गुप्त रूप से रॉ के लिए अंशकालिक काम करने वाली अपनी हैकिंग प्रभावी का उपयोग करता है। वर्तमान समय में माइकल ने स्टेशन पर आदित्य को बताया कि घर के जलने की बात अपने जेसी के गला घोट दिए। वो फिर चला जाता है ताकि अशोक अपना मुठभेड़ कर सके। हालांकि जाने से पहले माइकल आगेश को हैप्पी सोल्स्टाइज कहते हैं, जिसमें आगोशी को एक एहसास होता है कि वो आदित्य से बदला लेने के पीछे का कारण, क्योंकि आदित्य प्रत्येक हत्या से पहले आगेश को बुला रहा था और एक ही बात कर रहा था। आगेश आदित्य को उसी पुल पर ले जाता है जहाँ उसे शुरू होता है, जहाँ आदित्य उसे बताता है कि माइकल और उसके दोस्तों ने सारा को मार डाला। उसी समय माइकल घर जाता है और देखता है कि टेरेसा उसे छोड़ने वाली है। माइकल मानसिक रूप से टूट जा चुका है और उसकी हत्या करने का प्रयास करता है। हत्या की जांच करने का काम सौंपा गया है और उसे दो हमशक्ल संदिग्ध मिलते हैं जो एक दूसरे के अस्तित्व को नहीं जानते हैं। शिवानी के लिए चीजें तब और जटिल हो जाती है जब उन्हें मामले के बारे में नए तथ्य पता चलता है। धारणा आदित्य रे कपूर, अर्जुन सहगल, सूरज राणा दोहरी भूमिका, मीनाल ठाकुर सब इंस्पेक्टर, शिवानी माथुर के रूप में, एसीपी धोरेन यादव के रूप में, धोरेन्द्र रॉय जानवी के रूप में, वेदिका पिंटो सहगल के रूप में, किया खन्ना पृथ्वी के रूप में, मोहित आनंद एडवोकेट जीवी के रूप में, इवान डडिंट रेड्डी के रूप में, दीपक कालरा, नवनीत कौर थिंग लड़के के रूप में, अक्षय भावक जो चंडी को मामला दर्ज करता है। 2019 की थमन की रिलीज के बाद ऐसी अफवाह थी कि ये एक हिंदी रीमेक का कर रही थी। 4 मार्च 2020 को फिल्म को आधिकारिक तौर पर सोशल मीडिया के माध्यम से भूषण कुमार और मुराद खेतानी द्वारा एक अनाथ अवरात थ्रिलर के रूप में घोषित किया गया था। यह पुष्टि करने के लिए कि टी सीरीज और सिने वन वीडियो फिल्म का निर्माण करते रहे नवोदित वर्धन केतकर निर्देशक के रूप में घोषणा की। सिद्धार्थ मल्होत्रा को सबसे पहले मृणाल ठाकुर के साथ मुख्य भूमिका के रूप में घोषित किया गया था। फिल्मांकन 20 नवंबर 2020 को रिलीज की तारीख के साथ 2020 में अध्यय शुरू होता है, लेकिन मार्च 2020 में अंत में कोरोना वायरस के बकरियों के बाद इसे स्थानांतरित कर दिया गया था अज्ञात कारणों से और परियोजना को रोक दिया गया था। जुलाई 2021 में निर्माताओं ने इन्हें लीड के रूप में आदित्य रॉय कपूर के साथ प्रपोजर के पुनरुत्थान के रूप में कि बाद में सितंबर 2021 में मृणाल ठाकुर को योजना का हिस्सा बनने की पुष्टि की। वेदिका पिंटो को आदित्य के विपरीत प्रेम रुचि के कारण प्रदर्शित होने के लिए चुना गया था। रोनित राय और नवजीत कौर थिंड को भी फिल्म के महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए कास्ट किया गया था। फिल्मांकन अक्टूबर 2021 दशहर के अवसर पर फिल्म का शुरू हुआ। 2 जुलाई 2022 में मुंबई में शुरू हुआ, जिसमें ठाकुर रोनित राय के साथ शूटिंग में शामिल हुए। टीम ने जुलाई 2022 में फिल्मांकन पूरा किया। मिथुन विशाल मिश्रा, तनिष्क बाग्ची और मोहित बाग्ची ने फिल्म के लिए गाने तैयार किए हैं। विशाल मिश्रा द्वारा गायक संगीतबद्ध और लिखा गया पहला एकल शीर्षक सोनिया जी मार्च 14, 2023 को जारी किया गया था। 18 मार्च 2023 को धनुष बाग्ची द्वारा रचित और अरमान मालिक, अजहर एस खान और माहौल सलमा आगा दौड़ घर नहीं जाना नामक एक और गीत जारी किया गया। तीसरी एकल शीर्षक उल्लास है के बंदित 21 मार्च 2023 को जारी किया गया था और शीर्षक ट्रैक 5 अप्रैल 2023 को जारी किया गया था। द टाइम्स ऑफ इंडिया ने धवल राय ने फिल्म को 5.5 स्टार दिया और लिखा, एक आकर्षण फ्लॉड ट्विस्ट और टर्न और अच्छी कहानी कहने के समूह थिएटर ने जाने लायक है। विकलांग के ऋषि ने फिल्म को 5 में से 3.5 सितारे दी और व्यावसायिक थ्रिलर के तत्वों के साथ फिल्म को बहुत खूबसूरत करार दिए। फर्स्ट वार गणेश ने अलविदा फिल्म के लिए और एक कहते हुए 3 सितारे दिए और लिखा, जबकि ठोस मोड़ और भीड़ वाली कहानी रोमांचक लगती है। फिल्म में मनोरंजक तौर और तेज पटका था कि कभी वो गुमराह के दूसरे स्तर पर ले जाते हैं। बॉक्स ऑफिस ये दुनिया भर में 1.22 करोड़ की कमाई के साथ बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप नहीं, ओपनिंग रिकॉर्ड 5.93 करोड़ था। 27 अप्रैल 2023 तक फिल्म ने भारत में 9.86 करोड़ और विदेश में 0.82 करोड़ की कमाई के दुनिया भर में 10.68 करोड़ की सकल संग्रह किया है। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस रूप
कमजोर प्रदर्शन किया। प्रवेश करने के बाद नौकर तीन गोलियों की आवाज़ सुनता है और कमरे में भागता है, ये देखने के लिए कि विक्रम की छाती पर तीन गोलियां लगी हैं और रुस्तम हाथ में पिस्तौल लेकर चला रहा है। रुस्तम तुरंत पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर देता है और वरिष्ठ निरीक्षक वेंकट कोलंबो जाँच शुरू कर देते हैं। विकट की बहन प्रीति मखीजा सरकारी वकील लक्ष्म सखीजा से रुस्तम को कड़ी से जांच लेने के लिए मिलती है। रुस्तम किसी भी की मदद लेने के लिए कर देते हैं और अपने दम पर कैसे लड़ने का फैसला करता है। पुलिस हिरासत की तरह नरजीत देता है। रुस्तम के वरिष्ठ नौसेना अधिकारी रियम एडमिरलम मिलर ने सीखते हैं कि वो हरी हुई सीथिया रुस्तम को सूचित करता है कि लिए जारी लगता है, जो अंत में सीथिया से मिलता है और उसकी कहानी सुनता है, जो कैसे वो अकेले और परेशान जी जब रुस्तम को कई महीने के लिए लंदन चला गया है। प्रीति की मिली भगत से विक्रम ने सीथिया के अकेलेपन का फ़ायदा उठाया और वो उसके पैर पड़ गए। हालांकि विक्रम की हत्या के दिन सीथिया ने अपनी शादी की आखिरी खातिर पहले ही उसे भवन तोड़ लिया था। उसके साथ टूटने के बाद उसे विक्रम द्वारा थप्पड़ मारा जाता है, घायल हो गया, विक्रम के घर से बाहर चला गया। रुस्तम के निर्देश पर सीथिया कमर को आवश्यक दस्तावेजों के बदले 5 करोड़ के लिए ब्लैकमेल करती है। अदालत की सुनवाई है। रुस्तम अप्रत्याशित रूप से न्यायाधीश पटेल के सामने दोषी नहीं होने का अनुरोध करता है, जिसके परिवार से 9 सदस्यों जूरी परीक्षण होता है। मुकदमे में साबित पर रुस्तम को जूरी द्वारा दोषी नहीं पाया गया, क्योंकि उसने आत्मरक्षा के विक्रम को गोली मार दी थी। इस बीच ये पता चलता है कि लंबो दिल्ली में था और रुस्तम द्वारा किए गए ट्रक कॉल की रिकॉर्डिंग प्राप्त करने के लिए बख्शी से मिला था। मुंबई में वापस आने पर ट्रक कॉल बजाया जाता है। लगभग सभी को विश्वास दिलाया जाता है कि रुस्तम दोषी है और जूरी के लिए उनके प्यार इरादा करने के लिए अदालत कार्यवाही समाप्त हो जाता है। फैसले के दिन की पूर्व संध्या पर रुस्तम ने लंबो की विशेषता 1958 लंदन में एक विमान वाहक पैसा का निरीक्षण करने के लिए कई महीनों तक नौकर था, जिसे नौसेना खरीदना चाहती है, लेकिन निरीक्षा पर रुस्तम ने बताया कि यह की परंपरा जंग था और इसीलिए जाने से वाले विधायक मातो को पीते के लिए विरोधी कहता है और उसके काम के लिए साथ उन्हें ये कहते के लिए सिस्टम देते प्रयास किया कि बहुत समुद्र में चलने योग्य है। जब रुस्तम ने लंदन में बख्शी की सूचित करने का प्रयास किया तो बख्शी ने उन्हें रुस्तम रिश्वत देने और भाव की हरत लेने की प्रयास करते। विक्रम ने उसे मांगने की कोशिश की और रुस्तम ने गुस्से में उसे थप्पड़ मार दिया। यह मानते हुए कि उसने अपनी वर्दी की ताकत दिखाई है, विक्रम का रुस्तम को अपने पैसे की ताकत दिखाने के उससे बदला लेने के लिए सीथिया से डेट किया, लेकिन वास्तव में उसे कभी पसंद नहीं किया। रुस्तम विक्रम के प्रतिशोध से कोई धोकर नौसेना जहाँ शस्त्र के पिस्तौल किए, फिर बख्शी को ये कहते हुए बुलाया कि वो विक्रम को बख्शाने वाला नहीं है और उसके पास नौसेना के लिए वाहन की योजना की उजागर करने वाले कागजात है। रुस्तम फिर विक्रम के घर गया और उसे गोली मार दी। उसके बाद उस बख्शी ने कामक्त को दस्तावेज लाने के लिए भेजा और जो रुस्तम ने कहा कि उसके पास जो है बुलंबो द्वारा ट्रक कॉल की रिकॉर्डिंग के लिए कहने पर उसे अपने भ्रष्टाचार को छिपाने के लिए आधी रिकॉर्डिंग दे दी है। रुस्तम का कहना है कि उन्होंने विमान पौधे के पोत के बाद उसे ही नहीं बताया ताकि दोनों सेना की छवि खराब ना करें। रुस्तम तब खुलासा करते हैं कि वास्तव में उसके पास बहाव के अस्थिग्रस्त होने के प्रयास से संबंधित कोई मानवता नहीं था, लेकिन अगले दिन प्रेस को बताता है कि वो एक साधारण ग्रामीण था जो उत्पाद शुल्क का अर्थ भी नहीं समझाता था। सुमा शुल्क बिक्री कर वो सब जानता था कि उसका व्यवसाय था, लेकिन भ्रष्ट नेतृत्व ने यह सुनिश्चित किया कि वो ग्रामीण एक आमिर व्यापारी ना बन जाए। वर्णन स्वरूप उन्हें भ्रष्टोपचारों के लिप्त होना पड़ा। ये सरकार की उसके खिलाफ 29 आरोपों से 23 को हटाने के लिए मजबूर करता है। उन पर संबंधित 2 आरोपों के लिए 6.3 बिलियन की कमाई की है और जुर्मानों के आरोप लगाया गया है, जो साबित करता है कि अनुमोद के अपनी कंपनी के फंसाने के लिए फिल्मों की शक्ति के घर शहरधारकों को बताते हुए गुरु के साथ समाप्त होती है कि उनके पिता गलत साबित हुए थे, क्योंकि उन्होंने कहा था कि सपने सच नहीं होते हैं, लेकिन वे सभी अब भारत की सबसे बड़ी कंपनी का हिस्सा है। गुरु उससे पूछते हैं कि क्या उन्हें रोकना चाहिए शेयरधारक, उसके बजाय दुनिया की सबसे बड़ी
मणि बनने की इकरार करने के लिए कल्पना लेते हैं। फिल्म वासुदेव शास्त्री का शुरू होती है, जो एक जूनियर रॉ एजेंट एंड एनालिसिस विंग एजेंट से जिसे अक्षम करार दिया जाता है क्योंकि वो एक महत्वपूर्ण मिशन में विफल हो गया था और फिर काम पर रखने के लिए खुद को घायल कर लिया था। बाद में जब वो उदास मार्क पार्क से बैठता है, नंदिनी उसके जीवन का प्यार उसे सांत्वना देती है। उसके बाद फिल्म फ्लैशबैक में जाती है, जहाँ वासुदेव शास्त्री जो एक टॉपर लेकिन आकर्षक व्यक्ति जो IIT में आता है, जहाँ दूसरी रेप पाने के नंदिनी चौहान ईर्ष्या से बाहर आकर अपने निजी जीवन को नरक बनाने का फैसला करते हैं। वो लगातार उससे नफरत करती है, लेकिन बसु हर बार उसे मात दे देता है। केसर के आसपास दोस्तों ना जूनियर होने के अलावा वो गुप्त रूप से रॉ के लिए अंशकालिक काम करने वाली अपनी हैकिंग प्रभावी का उपयोग करता है। वर्तमान समय में माइकल ने स्टेशन पर आदित्य को बताया कि घर के जलने की बात अपने जेसी के गला घोर दिए वो फिर चला जाता है ताकि अशोक अपना मुठभेड़ कर सके। हालांकि जाने से पहले माइकल आगेश को हैप्पी सोल्स्टाइज कहते हैं, जिसमें आगेश को एक एहसास होता है कि वो आदित्य से बदला लेने के पीछे का कारण, क्योंकि आदित्य प्रत्येक हत्या से पहले आगेश को बुला रहा था और एक ही बात कर रहा था। आगेश आदित्य को उसी पुल पर ले जाता है जहाँ उसे शुरू होता है, जहाँ आदित्य उसे बताता है कि माइकल और उसके दोस्तों ने सारा को मार डाला। उसी समय माइकल घर जाता है और देखता है कि टेरेसा उसे छोड़ने वाली है। माइकल मानसिक रूप से टूट जा चुका है और उसकी हत्या करने का प्रयास करता है। हत्या की जांच करने का काम सौंपा गया है और उसे दो हमशक्ल संदिग्ध मिलते हैं जो एक दूसरे के अस्तित्व को नहीं जानते हैं। शिवानी के लिए चीजें तब और जटिल हो जाती है जब उन्हें मामले के बारे में नए तथ्य पता चलता है। ढालना आदित्य रे कपूर, अर्जुन सहगल, सूरज राणा दोहरी भूमिका, मीनाल ठाकुर सब इंस्पेक्टर, शिवानी माथुर के रूप में AJB धोरन, यादव के रूप में धोरित रॉय, जानवी के रूप में वेदिका पिंटो, सहगल के रूप में किया खन्ना, पृथ्वी के रूप में मोहित आनंद, एडवोकेट GB के रूप में इवान डडिंट, रेड्डी के रूप में दीपक कालरा, नवनीत कौर थिंग, लड़के के रूप में अक्षय भावक जो चंडी को मामला दर्ज करता है। 2019 की थवन की रिलीज के बाद ऐसी अफवाह थी कि ये एक हिंदी रीमेक का कर रही थी। 4 मार्च 2020 को फिल्म का आधिकारिक तौर पर सोशल मीडिया के माध्यम से भूषण कुमार और मुराद खेतानी द्वारा एक अनाथ अवरात थ्रिलर के रूप में घोषित किया गया था। यह पुष्टि करने के कि टी सीरीज और सिनेवन वीडियो फिल्म का निर्माण करते रहे नवोदित वर्धन केतकर निर्देशक के रूप में घोषणा की। सिद्धार्थ मल्होत्रा को सबसे पहले मृणाल ठाकुर के साथ मुख्य भूमिका के रूप में घोषित किया गया था। फिल्मांकन 20 नवंबर 2020 को रिलीज की तारीख के साथ 2020 में मध्य के शुरू होता है, लेकिन मार्च 2020 में अंत में कोरोना वायरस के बकरियों के बाद इसे स्थानांतरित कर दिया गया था अज्ञात कारणों से और परियोजना को रोक दिया गया था। जुलाई 2021 में निर्माताओं ने इन्हें लीड के रूप में आदित्य रॉय कपूर के साथ प्रपोजर के पुनरुत्थान के रूप में कि बाद में सितंबर 2021 में मृणाल ठाकुर को योजना का हिस्सा बनने की पुष्टि की। वेदिका भिंटो को आदित्य के विपरीत प्रेम रुचि के कारण प्रदर्शित होने के लिए चुना गया था। रोनित रॉय और नवजीत कौर थिंड को भी फिल्म के महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए कास्ट किया गया था। फिल्मांकन अक्टूबर 2021 में दशहर के को अवसर पर फिल्म का शुरू हुआ। 2 मई 2022 में मुंबई में शुरू हुआ, जिसमें ठाकुर रोनित रॉय के साथ शूटिंग में शामिल हुए। टीम ने जुलाई 2022 में फिल्मांकन पूरा किया। मिथुन विशाल मिश्रा, तनिष्क बाक्षी और मोहित बाक्षी ने फिल्म के लिए गाने तैयार किए हैं। विशाल मिश्रा द्वारा गायक संगीतबद्ध और लिखा गया पहला एकल शीर्षक सोनिया जी मार्च 14, 2023 को जारी किया गया था। 18 मार्च 2023 को धनिष बाक्षी द्वारा जीत और अरमान मालिक, जहर एस खान और सलमा आगा गाय घर नहीं जाना नामक एक और गीत जारी किया गया। तीसरी एकल शीर्षक उल्लास है के बंदित 31 मार्च 2023 को जारी किया गया था और शीर्षक ट्रैक 5 अप्रैल 2023 को जारी किया गया था। द टाइम्स ऑफ इंडिया ने धवल रॉय ने फिल्म को 5.5 स्टार दिया और लिखा, एक आकर्षण फ्लॉड ट्विस्ट और टर्न और अच्छी कहानी कहने के समूह थिएटर ने जाने लायक है। विकलांग के ऋषि ने फिल्म को 5 में से 3.5 सितारे दी और व्यावसायिक थ्रिलर के तत्वों के साथ फिल्म को बहुत खूबसूरत करार दिया। फर्स्ट वार गणेश ने अलविदा फिल्म के लिए और एक कहते हुए 3 सितारे दिए और लिखा, जबकि ठोस मोड़ और भीड़ वाली कहानी रोमांचक लगती है। फिल्म में मनोरंजक और
और तेज पटका था कि कभी वह गुमराह के दूसरे स्तर पर ले जाते हैं। बॉक्स ऑफिस ये दुनिया भर में 1.22 करोड़ की कमाई के साथ बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप नहीं, ओपनिंग रिकॉर्ड 5.93 करोड़ था। 27 अप्रैल 2023 तक फिल्म ने भारत में 9.86 करोड़ और विदेश में 0.82 करोड़ की कमाई के दुनिया भर में 10.68 करोड़ की सकल संग्रह किया है। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस रूप कमजोर प्रदर्शन किया। प्रवेश करने के बाद नौकर तीन गोलियों की आवाज़ सुनता है और कमरे में भागता है, ये देखने के लिए कि विक्रम की छाती पर तीन गोलियां लगी हैं और रुस्तम हाथ में पिस्तौल लेकर चला रहा है। रुस्तम तुरंत पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर देता है और वरिष्ठ निरीक्षक वेंकट लंबो जाँच शुरू कर देते हैं। विकट की बहन प्रीति मखीजा सरकारी वकील मखीजा से रुस्तम को कड़ी से कड़ी सजा लेने लिए मिलती है। रुस्तम किसी भी की मदद लेने के लिए कर देते हैं और अपने दम पर कैसे लड़ने का फैसला करता है। पुलिस हिरासत की तरह नरजीत देता है। रुस्तम के वरिष्ठ नौसेना अधिकारी रियम एडमिरल मिलर ने सीखते हैं कि वो हरी हुई सीथिया रुस्तम को सूचित करता है के लिए जारी लगता है, जो अंत में सीथिया से मिलता है और उसकी कहानी सुनता है, जो कैसे वो अकेले और परेशान जी जब रुस्तम को कई महीने के लिए लंदन चला गया है। प्रीति की मिली भगत से विक्रम ने सीथिया के अकेलेपन का फायदा उठाया और वो उसके पैरों पड़ गए। हालांकि विक्रम की हत्या के दिन सीथिया ने अपने शादी की आखिरी खातिर पहले ही उसे मन तोड़ लिया था। उसके साथ टूटने के बाद उसे विक्रम द्वारा थप्पड़ मारा जाता है, घायल हो गया, विक्रम के घर से बाहर चला गया। रुस्तम के निर्देश पर सीथिया कमर को आवश्यक दस्तावेजों के बदले 5 करोड़ के लिए ब्लैकमेल करती है। अदालत की सुनवाई है। रुस्तम अप्रत्याशित रूप से न्यायाधीश पटेल के सामने दोषी नहीं होने का अनुरोध करता है, जिसके परिणाम स्वरूप 9 सदस्यों जूरी परीक्षण होता है। मुकदमे में साबित पर रुस्तम को जूरी द्वारा दोषी नहीं पाया गया क्योंकि उसने आत्मरक्षा के विक्रम को गोली मार दी थी। इस बीच ये पता चलता है कि लंबो दिल्ली में था और रुस्तम द्वारा किए गए ट्रक कॉल की रिकॉर्डिंग प्राप्त करने के लिए बक्शी से मिला था। मुंबई में वापस आने पर ट्रक कॉल बजाया जाता है। लगभग सभी को विश्वास दिलाया जाता है कि रुस्तम दोषी है और जूरी के लिए उनके प्यार रायता करने के लिए अदालत कार्यवाही समाप्त हो जाता है। फैसले के दिन की पूर्व संध्या पर रुस्तम ने लंबो की भाषा बताया। 1958 में लंदन में एक विमान वाहक पैसा का निरीक्षण करने के लिए कई महीनों तक नौकर था, जिसे नौसेना खरीदना चाहते हैं, लेकिन निरीक्षा पर रुस्तम ने बताया कि यहाँ की परंपरा जंग था और इसीलिए जाने से वाले विधायक मातों को पीते के लिए विरोधी कहता है और उनके कामत के लिए साथ उन्हें ये कहते के लिए सिस्टम देते प्रयास किया कि बहुत समुद्र में चलने योग्य है। जब रुस्तम ने लंदन में बख्शी की सूचित करने का प्रयास किया तो बख्शी ने उन्हें रुस्तम रिश्वत देने और भाव के भारत लेने की प्रयास करते हैं। विक्रम ने उसे मारने की कोशिश की और रुस्तम ने गुस्से में उसे थप्पड़ मार दिया। यह मानते हुए कि उसने अपनी वर्दी की ताकत दिखाई है, विक्रम का रुस्तम को अपने पैसे की ताकत दिखाने के उससे बदला लेने के लिए सीथिया का डेट किया, लेकिन वास्तव में उसे कभी पसंद नहीं किया। रुस्तम विक्रम के प्रतिशोध से कोई धोकर नौसेना जहाज शस्त्रों के पिस्तौल किए गए। फिर बख्शी को ये कहते हुए बुलाया कि वो विक्रम को बक्साने वाला नहीं है और उसके पास नौसेना के लिए वाहन की योजना की उजागर करने वाली कागजात है। रुस्तम फिर विक्रम के घर गया और उसे गोली मार दी। उसके बाद उस बख्शी ने कामत को दस्तावेज लाने के लिए भेजा और जो रुस्तम ने कहा कि उसके पास जो है बुलंबो द्वारा ट्रक कॉल की रिकॉर्डिंग के लिए कहने पर उसे अपने भ्रष्टाचार को छिपाने के लिए आधी रिकॉर्डिंग दे दी है। रुस्तम का कहना है कि उन्होंने विमान माधव पौधे के पोत के बाद कुछ ही नहीं बताया ताकि वो नौसेना की छवि खराब ना करे। रुस्तम तब खुलासा करते हैं कि वास्तव में उसके पास बहाव के अस्तित्व होने के परिणाम से संबंधित कोई मानवता नहीं था, लेकिन अगले दिन प्रेस को बताता है कि वो एक साधारण ग्रामीण था जो उत्पाद शुल्क का अर्थ भी नहीं समझाता था। सुहा शुल्क बिक्री कर वो सब जानता था कि उसका व्यवसाय था, लेकिन भ्रष्ट नेतृत्व ने यह सुनिश्चित किया कि वो ग्रामीण एक आमिर व्यापारी ना बन जाए। वर्णान स्वरूप उन्हें भ्रष्टोपचारों के लिप्त होना पड़ा। ये सरकार की उसके खिलाफ 29 अपराधों से 23 को हटाने के लिए मजबूर करता है। उन पर संवेदित 2 आरोपों के लिए 6.3 बिलियन की कमाई की है और जुर्मानों के आरोप लगाया गया है, जो साबित करता है कि अनुमोद के अपनी कंपनी के फंसाने के लिए फिल्मों की शक्ति के धारकों को बताते हुए गुरु के साथ समाप्त होती है कि उनके पिता गलत साबित हुए थे क्योंकि उन्होंने कहा था कि सपने सच नहीं होते हैं, लेकिन वे सभी अब भारत की सबसे बड़ी कंपनी का हिस्सा है। गुरु उससे पूछते हैं कि क्या उन्हें रोकना चाहिए शेयरधारक, उसके बजाय दुनिया की सबसे बड़ी
ब्राह्मणी बनने की इकरार करने के लिए कल्पना लेते हैं। फिल्म वासुदेव शास्त्री के शुरू होती है, जो एक जूनियर रॉ एजेंट एंड एनालिसिस विंग एजेंट से जिसे अक्षम करार दिया जाता है क्योंकि वो एक महत्वपूर्ण मिशन में विफल हो गया था और फिर काम पर रखने के लिए खुद को घायल कर लिया था। बाद में जब वो उदास मार्क पार्क से बैठता है, नंदिनी उसके जीवन का प्यार उसे सांत्वना देती है। उसके बाद फिल्म फ्लैशबैक में जाती है, जहाँ वासुदेव शास्त्री जो एक टॉपर लेकिन आकर्षक व्यक्ति है, जो आईआईटी में आता है, जहाँ दूसरी रेप पाने के नंदिनी चौहान ईर्ष्या से बाहर आकर अपने निजी जीवन को नरक बनाने का फैसला करते हैं। वो लगातार उससे नफरत करती है, लेकिन बसु हर बार उसे मात दे देता है। केसर के आसपास दोस्तों ना जूनियर होने के अलावा वो गुप्त रूप से रॉ के लिए अंशकालिक काम करने वाली अपनी हैकिंग प्रभावली का उपयोग करता है। वर्तमान समय में माइकल ने स्टेशन पर आदित्य को बताया कि घर के जलने की बात अपने जेसी के गला घोट दिए। वो फिर चला जाता है ताकि अशोक अपना मुठभेड़ कर सके। हालांकि जाने से पहले माइकल आगेश को हैप्पी सोलस्टाइज कहते हैं, जिसमें आगेश को एक एहसास होता है कि वो आदित्य से बदला लेने के पीछे का कारण, क्योंकि आदित्य प्रत्येक हत्या से पहले आगेश को बुला रहा था और एक ही बात कर रहा था। आगेश आदित्य को उसी पुल पर ले जाता है जहाँ उसे शुरू होता है, जहाँ आदित्य उसे बताता है कि माइकल और उसके दैत्यों ने मारा सारा को मार डाला। उसी समय माइकल घर जाता है और देखता है कि टेरेसा उसे छोड़ने वाली है। माइकल मानसिक रूप से टूट जा चुका है और उसकी हत्या करने का प्रयास करता है। हत्या की जांच करने का काम सौंपा गया है और उसे दो हमशक्ल संदिग्ध मिलते हैं जो एक दूसरे के अस्तित्व को नहीं जानते हैं। शिवानी के लिए चीज़ें तब और जटिल हो जाती है जब हमें मामले के बारे में नए तथ्य पता चलता है। ढालना आदित्य रॉय कपूर, अर्जुन सहगल, सूरज राणा दोहरी भूमिका, मीनाल ठाकुर सब इंस्पेक्टर, शिवानी माथुर के रूप में एजीबी धोरेन, यादव के रूप में धोरेन रॉय, जाह्नवी के रूप में वेदिका पिंटो, सहगल के रूप में किया खन्ना, पृथ्वी के रूप में मोहित आनंद, एडवोकेट जीवी के रूप में इवान डडिंट, रेड्डी के रूप में दीपक कालरा, नवनीत कौर थिंग, लड़के के रूप में अक्षय भावक जो चंडी को मामला दर्ज करता है। 2019 के थमन की रिलीज के बाद ऐसी अफवाह थी कि ये एक हिंदी रीमेक का कर रही थी। 4 मार्च 2020 को फिल्म का आधिकारिक तौर पर सोशल मीडिया के माध्यम से भूषण कुमार और मुराद खेतानी द्वारा एक अनाथ अवराध थ्रिलर के रूप में घोषित किया गया था। यह पुष्टि करने थे कि टी सीरीज और सिने वन वीडियो फिल्म का निर्माण करते रहे नवोदित वर्धन केतकर निर्देशक के रूप में घोषणा की। सिद्धार्थ मल्होत्रा को सबसे पहले मीनाल ठाकुर के साथ मुख्य भूमिका के रूप में घोषित किया गया था। फिल्मांकन 20 नवंबर 2020 को रिलीज की तारीख के साथ 2020 में अंत के शुरू होता है, लेकिन मार्च 2020 में अंत में कोरोना वायरस के प्रक्रिया के बाद इसे स्थानांतरित कर दिया गया था। अज्ञात कारणों से और परियोजना को रोक दिया गया था। जुलाई 2021 में निर्माताओं ने नए लीड के रूप में आदित्य रॉय कपूर के साथ प्रपोजर के पुनरुत्थान के रूप में कि बाद में सितंबर 2021 में मीनाल ठाकुर को योजना का हिस्सा बनने की पुष्टि की। वेदिका भिंटो को आदित्य के विपरीत प्रेम रुचि के कारण प्रदर्शित होने के लिए चुना गया था। रोनित रॉय और नवजीत कौर थिंड को भी फिल्म के महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए कास्ट किया गया था। फिल्मांकन अक्टूबर 2021 में दशहर के अवसर पर फिल्मांकन शुरू हुआ। 2 मई 2022 में मुंबई में शुरू हुआ, जिसमें ठाकुर रोनित रॉय के साथ शूटिंग में शामिल हुए। टीम ने जुलाई 2022 में फिल्मांकन पूरा किया। मिथुन विशाल मिश्रा, तनिष्क बाक्षी और मोहित बाक्षी ने फिल्म के लिए गाने तैयार किए हैं। विशाल मिश्रा द्वारा गायक संगीतबद्ध और लिखा गया पहला एकल शीर्षक सोनिया जी मार्च 14, 2023 को जारी किया गया था। 18 मार्च 2023 को धनी सबाक्षी द्वारा रचित और अरमान मालिक, जहर एस खान और महम सलमा आगा घर नहीं जाना नामक एक और गीत जारी किया गया। तीसरी एकल शीर्षक उल्लास है के बंदे 31 मार्च 2023 को जारी किया गया था और शीर्षक ट्रैक 5 अप्रैल 2023 को जारी किया गया था। द टाइम्स ऑफ इंडिया ने धवल राय ने फिल्म को 5.5 स्टार दिया और लिखा, एक आकर्षण फ्लॉड ट्विस्ट और टर्न और अच्छी कहानी कहने के समूह थिएटर ने जाने लायक है। विकलांग के ऋषि ने फिल्म को 5 में से 3.5 सितारे दी और व्यावसायिक थ्रिलर के तत्वों के साथ फिल्म को बहुत खूबसूरत करार दिए। फर्स्ट वार गणेश ने अलविदा फिल्म के लिए और एक कहते हुए 3 सितारे दिए और लिखा, जबकि ठोस मोड़ और भीड़ वाली कहानी रोमांचक लगती है। फिल्म में मनोरंजक और तौर
और तेज पटका था कि कभी वह गुमराह के दूसरे स्तर पर ले जाते हैं। बॉक्स ऑफिस ये दुनिया भर में 1.22 करोड़ की कमाई के साथ बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही। ओपनिंग रिकॉर्ड 5.93 करोड़ था। 27 अप्रैल 2023 तक फिल्म ने भारत में 9.86 करोड़ और विदेश में 0.82 करोड़ की कमाई के दुनिया भर में 10.68 करोड़ की सकल संग्रह किया है। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस रूप कमजोर प्रदर्शन किया। प्रवेश करने के बाद नौकर तीन गोलियों की आवाज़ सुनता है और कमरे में भागता है, ये देखने के लिए कि विक्रम की छाती पर तीन गोलियां लगी हैं और रुस्तम हाथ में पिस्तौल लेकर चला रहा है। रुस्तम तुरंत पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर देता है और वरिष्ठ निरीक्षक वेंकट लंबो जाँच शुरू कर देते हैं। विकट की बहन प्रीति मखीजा सरकारी वकील लक्ष्म मखीजा से रुस्तम को करीब से जांच लेने के लिए मिलती है। रुस्तम किसी भी की मदद लेने के लिए कर देते हैं और अपने दम पर कैसे लड़ने का फैसला करता है। पुलिस हिरासत की तरह नरजीत देता है। रुस्तम के वरिष्ठ नौसेना अधिकारी रियम एडमिरल मिलर ने सीखते हैं कि वो हरी हुई सीथिया रुस्तम को सूचित करता है के लिए जारी लगता है, जो अंत में सीथिया से मिलता है और उसकी कहानी सुनता है, जो कैसे वो अकेले और परेशान जी जब रुस्तम को कई महीने के लिए लंदन चला गया है। प्रीति की मिली भगत से विक्रम ने सीथिया के अकेलेपन का फायदा उठाया और वो उसके पैरों पड़ गए। हालांकि विक्रम की हत्या के दिन सीथिया ने अपने शादी की आखिरी खातिर पहले ही उसे मन तोड़ लिया था। उसके साथ टूटने के बाद उसे विक्रम द्वारा थप्पड़ मारा जाता है, घायल हो गया, विक्रम के घर से बाहर चला गया। रुस्तम के निर्देश पर सीथिया कमर को आवश्यक दस्तावेजों के बदले 5 करोड़ के लिए ब्लैकमेल करती है। अदालत की सुनवाई है। रुस्तम अप्रत्याशित रूप से न्यायाधीश पटेल के सामने दोषी नहीं होने का अनुरोध करता है, जिसके परिणामस्वरूप 9 सदस्यों जूरी परीक्षण होता है। मुकदमे में साबित पर रुस्तम को जूरी द्वारा दोषी नहीं पाया गया क्योंकि उसने आत्मरक्षा के विक्रम को गोली मार दी थी। इस बीच ये पता चलता है कि लंबो दिल्ली में था और रुस्तम द्वारा किए गए ट्रक कॉल की रिकॉर्डिंग प्राप्त करने के लिए बख्शी से मिला था। मुंबई में वापस आने पर ट्रक कॉल बजाया जाता है। लगभग सभी को विश्वास दिलाया जाता है कि रुस्तम दोषी है और जूरी के लिए उनके प्यार रायता करने के लिए अदालत कार्यवाही समाप्त हो जाता है। फैसले के दिन की पूर्व संध्या पर रुस्तम के ने लंबो की बताया 1958 लंदन में एक विमान वाहक पैसा का निरीक्षण करने के लिए कई महीनों तक नौकर छा जिसे नौसेना खरीदना चाहती है, लेकिन निरीक्षा पर रुस्तम ने बताया कि यह की परंपरा जंग था और इसीलिए जाने से वाले विधायक मातों को पीते के लिए विरोधी कहता है और उनके कामत के लिए साथ उन्हें ये कहते के लिए सिस्टम देते प्रयास किया कि बहुत समुद्र में चलने योग्य है। जब रुस्तम ने लंदन में बख्शी की सूचित करने का प्रयास किया तो बख्शी ने उन्हें रुस्तम रिश्वत देने और भाव की भारत लेने की प्रयास करते हैं। विक्रम ने उसे मांगने की कोशिश की और रुस्तम ने गुस्से में उसे थप्पड़ मार दिया। यह मानते हुए कि उसने अपनी वर्दी की ताकत दिखाई है, विक्रम का रुस्तम को अपने पैसे की ताकत दिखाने के उससे बदला लेने के लिए सीथिया के डेट किया, लेकिन वास्तव में उसे कभी पसंद नहीं किया। रुस्तम विक्रम के प्रतिशोध से कोई धोकर नौसेना जहाज शस्त्र के पिस्तौल किए गए। फिर बख्शी को ये कहते हुए बुलाया कि वो विक्रम को बख्साने वाला नहीं है और उसके पास नौसेना के लिए वाहन की योजना की उजागर करने वाली कागजात है। रुस्तम फिर विक्रम के घर गया और उसे गोली मार दी। उसके बाद बख्शी ने कामत को दस्तावेज लाने के लिए भेजा और जो रुस्तम ने कहा कि उसके पास जो है बुलंबो द्वारा ट्रक कॉल की रिकॉर्डिंग के लिए कहने पर उसे अपने भ्रष्टाचार को छिपाने के लिए आधी रिकॉर्डिंग दे दी है। रुस्तम का कहना है कि उन्होंने विमान माधव पौधे के पोत के बाद कुछ ही नहीं बताया ताकि दोनों सेना की छवि खराब ना करें। रुस्तम तब खुलासा करते हैं कि वास्तव में उसके पास बहाव के अस्त होने के प्रयास से संबंधित कोई मानवता नहीं था, लेकिन अगले दिन प्रेस को बताता है कि वो एक साधारण ग्रामीण था जो उत्पाद शुल्क का अर्थ भी नहीं समझाता था। सुमा शुल्क बिक्री कर वो सब जानता था कि उसका व्यवसाय था, लेकिन भ्रष्ट नियंत्रक ने यह सुनिश्चित किया कि वो ग्रामीण एक आमिर व्यापारी ना बन जाए। परिणामस्वरूप उन्हें भ्रष्टोपचारों के लिप्त होना पड़ा। ये सरकार की उसके खिलाफ 29 अप्रैल से 23 को हटाने के लिए मजबूर करता है। उन पर संबंधित 2 आरोपों के लिए 6.3 बिलियन की कमाई की है और जुर्मानों के आरोप लगाया गया है, जो साबित करता है कि अनुमोद के अपनी कंपनी के पास आने के लिए फिल्मों की शक्ति के धारकों को बताते हुए गुरु के साथ समाप्त होती है कि उनके पिता गलत साबित हुए थे क्योंकि उन्होंने कहा था कि सपने सच नहीं होते हैं, लेकिन वे सभी अब भारत की सबसे बड़ी कंपनी का हिस्सा है। गुरु उससे पूछते हैं कि क्या उन्हें रोकना चाहिए। शेयरधारक उसके बजाय दुनिया की सबसे बड़ी
ब्राह्मणी बनने की इकरार करने के लिए कल्पना लेते हैं। फिल्म वासुदेव शास्त्री के शुरू होती है, जो एक जूनियर रॉ एजेंट एंड एनालिसिस विंग एजेंट से जिसे अक्षम करार दिया जाता है क्योंकि वो एक महत्वपूर्ण मिशन में विफल हो गया था और फिर उस काम पर रखने के लिए खुद को घायल कर लिया था। बाद में जब वो उदास मार्क पार्क से बैठता है, नंदिनी उसके जीवन का प्यार उसे सांत्वना देती है। उसके बाद फिल्म फ्लैशबैक में जाती है, जहाँ वासुदेव शास्त्री जो एक टॉपर लेकिन आकर्षक व्यक्ति है, जो आईआईटी में आता है, जहाँ दूसरी रेप पाने के नंदिनी चौहान ईर्ष्या से बाहर आकर अपने निजी जीवन को नरक बनाने का फैसला करते हैं। वो लगातार उससे नफरत करती है, लेकिन बसु हर बार उसे मात दे देता है। केसर के आसपास दोस्तों ने जूनियर होने के अलावा वो गुप्त रूप से रॉ के लिए अंशकालिक काम करने वाली अपनी हैकिंग प्रभावी का उपयोग करता है। वर्तमान समय में माइकल ने स्टेशन पर आदित्य को बताया कि घर के जलने की बात अपने जेसी के गला घोट दिए वो फिर चला जाता है ताकि अशोक अपना मुठभेड़ कर सके। हालांकि जाने से पहले माइकल आगेश को हैप्पी सोलस्टाइज कहते हैं, जिसमें आगोश को एक एहसास होता है कि वो आदित्य से बदला लेने के पीछे का कारण, क्योंकि आदित्य प्रत्येक हत्या से पहले आगेश को बुला रहा था और एक ही बात कर रहा था। आगेश आदित्य को उसी पुल पर ले जाता है जहाँ उसे शुरू होता है, जहां आदित्य उसे बताता है कि माइकल और उसके दोस्तों ने सारा को मार डाला। उसी समय माइकल घर जाता है और देखता है कि टेरेसा उसे छोड़ने वाली है। माइकल मानसिक रूप से टूट जा चुका है और उसकी हत्या करने का प्रयास करता है। हत्या की जांच करने का काम सौंपा गया है और उसे दो हमशक्ल संदिग्ध मिलते हैं जो एक दूसरे के अस्तित्व को नहीं जानते। शिवानी के लिए चीजें तब और जटिल हो जाती है जब हमें मामले के बारे में नए तथ्य पता चलता है। ढालना आदित्य रे कपूर, अर्जुन सहगल, सूरज राणा दोहरी भूमिका, मीनाल ठाकुर सब इंस्पेक्टर, शिवानी माथुर के रूप में ए सी बी धोरन, यादव के रूप में धोरी रॉय, जानवी के रूप में वेदिका पिंटो, सहगल के रूप में किया खन्ना, पृथ्वी के रूप में मोहित आनंद, एडवोकेट जीवी के रूप में इवान डडिंट, रेड्डी के रूप में दीपक कालरा, नवनीत कौर थिंग, लड़के के रूप में अक्षय भावक जो चंडी को मामला दर्ज करता। 2019 की थमन की रिलीज के बाद ऐसी अफवाह थी कि ये एक हिंदी रीमेक का कर रही थी। 4 मार्च 2020 को फिल्म का आधिकारिक तौर पर सोशल मीडिया के माध्यम से भूषण कुमार और सूरज मुराद खेतानी द्वारा एक अनाथ अवराध थ्रिलर के रूप में घोषित किया गया था। यह पुष्टि करने थे कि तीसरी और सिने वन वीडियो फिल्म का निर्माण करते रहे नवोदित वर्धन केतकर निर्देशक के रूप में घोषणा की। सिद्धार्थ मल्होत्रा को सबसे पहले मृणाल ठाकुर के साथ मुख्य भूमिका के रूप में घोषित किया गया था। फिल्मांकन 20 नवंबर 2020 को रिलीज की तारीख के साथ 2020 में मध्य के शुरू होता है, लेकिन मार्च 2020 में अंत में कोरोना वायरस के बकरियो के बाद इसे स्थानांतरित कर दिया गया था अज्ञात कारणों से और परियोजना को रोक दिया गया था। जुलाई 2021 में निर्माताओं ने नए लीड के रूप में आदित्य रॉय कपूर के साथ प्रपोजर के पुनरुत्थान के रूप में कि बाद में सितंबर 2021 में मृणाल ठाकुर को योजना का हिस्सा बनने की पुष्टि की। वेदिका भिंटो को आदित्य के विपरीत प्रेम रुचि के कारण प्रदर्शित होने के लिए चुना गया था। रोनित राय और नवजीत कौर थिंड को भी फिल्म के महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए कास्ट किया गया था। फिल्मांकन अक्टूबर 2021 में दशहरा के को अवसर पर फिल्मांकन शुरू हुआ। 2 जुलाई 2022 में मुंबई में शुरू हुआ, जिसमें ठाकुर रोनित राय के साथ शूटिंग में शामिल हुए। टीम ने जुलाई 2022 में फिल्मांकन पूरा किया। मिथुन विशाल मिश्रा, तनिष्क बाक्षी और मोहित बाक्षी ने फिल्म के लिए गाने तैयार किए हैं। विशाल मिश्रा द्वारा गायक संगीतबद्ध और लिखा गया पहला एकल शीर्षक सोनिया जी मार्च 14, 2023 को जारी किया गया था। 18 मार्च 2023 को धनिष्क बाक्षी द्वारा रचित और अरमान मालिक, जहर एस खान और सलमा आगा गाय घर नहीं जाना नामक एक और गीत जारी किया गया। तीसरी एकल शीर्षक उल्लास है के बंदित 31 मार्च 2023 को जारी किया गया था और शीर्षक ट्रैक 5 अप्रैल 2023 को जारी किया गया था। द टाइम्स ऑफ इंडिया ने धवल राय ने फिल्म को 5/5 स्टार दिया और लिखा, एक आकर्षण प्लॉट ट्विस्ट और टर्न और अच्छी कहानी कहने के समूह थिएटर में जाने लायक है। विकलंग के ऋषि ने फिल्म को 5/5 सितारे दी और व्यावसायिक थ्रिलर के तत्वों के साथ फिल्म को बहुत खूबसूरत करार दिए। फर्स्ट वार गणेश ने अलविदा फिल्म के लिए और एक कहते हुए 3 सितारे दिए और लिखा, जबकि ठोस मोड़ और भीड़ वाली कहानी रोमांचक लगती है। फिल्म में मनोरंजक और
और तेज पट कथा की कभी वह गुमराह के दूसरे स्तर पर ले जाते हैं। बॉक्स ऑफिस ये दुनिया भर में 1.22 करोड़ की कमाई के साथ बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही। ओपनिंग रिकॉर्ड 5.93 करोड़ था। 27 अप्रैल 2023 तक फिल्म ने भारत में 9.86 करोड़ और विदेश में 0.82 करोड़ की कमाई की। दुनिया भर में 10.68 करोड़ की सकल संग्रह किया है। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस रूप कमजोर प्रदर्शन किया। प्रवेश करने के बाद नौकर तीन गोलियों की आवाज़ सुनता है और कमरे में भागता है, ये देखने के लिए कि विक्रम की छाती पर तीन गोलियां लगी हैं और रुस्तम हाथ में पिस्तौल लेकर चला रहा है। रुस्तम तुरंत पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर देता है और वरिष्ठ निरीक्षक वेंकट लंबो जाँच शुरू कर देते हैं। विकट की बहन प्रीति मखीजा सरकारी वकील लक्ष्म मखीजा से रुस्तम को कड़ी सजा सुनाने के लिए मिलती है। रुस्तम किसी भी की मदद लेने के लिए कर देते हैं और अपने दम पर कैसे लड़ने का फैसला करता है। पुलिस हिरासत की तरह नरजीत देता है। रुस्तम के वरिष्ठ नौसेना अधिकारी रियम एडमिरल मिलर ने सीखते हैं कि वो हरी हुई सीथिया रुस्तम को सूचित करता है के लिए जारी लगता है, जो अंत में सीथिया से मिलता है और उसकी कहानी सुनता है, जो कैसे वो अकेले और परेशान जी जब रुस्तम को कई महीने के लिए लंदन चला गया है। प्रीति की मिली भगत से विक्रम ने सीथिया के अकेलेपन का फायदा उठाया और वो उसके पैरों पड़ गए। हालांकि विक्रम की हत्या के दिन हितिया ने अपनी शादी की आखिरी खातिर पहले ही उसे मन तोड़ लिया था। उसके साथ टूटने के बाद उसे विक्रम द्वारा थप्पड़ मारा जाता है। घायल हो गया विक्रम के घर से बाहर चला गया। रुस्तम के निर्देश पर सीथिया कमर को आवश्यक दस्तावेजों के बदले 5 करोड़ के लिए ब्लैकमेल करती है। अदालत की सुनवाई है। रुस्तम अप्रत्याशित रूप से न्यायाधीश पटेल के सामने दोषी नहीं होने का अनुरोध करता है, जिसके परिणामस्वरूप 9 सदस्यों जूरी परीक्षण होता है। मुकदमे में साबित पर रुस्तम को जूरी द्वारा दोषी नहीं पाया गया क्योंकि उसने आत्मरक्षा के विक्रम को गोली मार दी थी। इस बीच ये पता चलता है कि लंबो दिल्ली में था और रुस्तम द्वारा किए गए ट्रक कॉल की रिकॉर्डिंग प्राप्त करने के लिए बख्शी से मिला था। मुंबई में वापस आने पर ट्रक कॉल बजाया जाता है। लगभग सभी को विश्वास दिलाया जाता है कि रुस्तम दोषी है और जूरी के लिए उनके प्यार रायता करने के लिए अदालत कार्यवाही समाप्त हो जाता है। फैसले के दिन की पूर्व संध्या पर रुस्तम ने लंबो की भाषा बताया। 1958 लंदन में एक विमान वाहक पैसा का निरीक्षण करने के लिए कई महीनों तक नौकर था, जिसे नौसेना खरीदना चाहती है। लेकिन निरीक्षा पर रुस्तम ने बताया कि यह की परंपरा जंग था और इसीलिए जाने से वाले विधायक मातों को पीते के लिए विरोधी कहता है और उनके कामत के लिए साथ उन्हें ये कहते के लिए सिस्टम देते प्रयास किया कि बहुत समुद्र में चलने योग्य है। जब रुस्तम ने लंदन में बख्शी की सूचित करने का प्रयास किया तो बख्शी ने उन्हें रुस्तम रिश्वत देने और भाव की भारत लेने की प्रयास करते। विक्रम ने उसे मारने की कोशिश की और रुस्तम ने गुस्से में उसे थप्पड़ मार दिया। यह मानते हुए कि उसने अपनी वर्दी की ताकत दिखाई है, विक्रम का रुस्तम को अपनी पैसे की ताकत दिखाने के उससे बदला लेने के लिए सीथिया के डेट किया, लेकिन वास्तव में उसे कभी पसंद नहीं किया। रुस्तम विक्रम के प्रतिशोध से कोई धोकर नौसेना जहाज शस्त्र के पिस्तौल किए गए। फिर बख्शी को ये कहते हुए बुलाया कि वो विक्रम को बक्साने वाला नहीं है और उसके पास नौसेना के लिए वाहन की योजना की उजागर करने वाली कागजात है। रुस्तम फिर विक्रम के घर गया और उसे गोली मार दी। उसके बाद बख्शी ने कामत को दस्तावेज लाने के लिए भेजा और जो रुस्तम ने कहा कि उसके पास जो है बुलंबो द्वारा ट्रक कॉल की रिकॉर्डिंग के लिए कहने पर उसे अपने भ्रष्टाचार को छिपाने के लिए आधी रिकॉर्डिंग दे दी है। रुस्तम का कहना है कि उन्होंने विमान माधव पौधे के पोत के बाद उसे ही नहीं बताया ताकि नौसेना की छवि खराब ना करे। रुस्तम तब खुलासा करते हैं कि वास्तव में उसके पास बाहु के अस्त होने के प्रयाण से संबंधित कई मानवता नहीं था। लेकिन अगले दिन प्रेस को बताता है कि वो एक साधारण ग्रामीण था जो उत्पाद शुल्क का अर्थ भी नहीं समझाता था। सुमा शुल्क बिक्री कर वो सब जानता था कि उसका व्यवसाय था, लेकिन भ्रष्ट नेतृत्व ने यह सुनिश्चित किया कि वो ग्रामीण एक आमिर व्यापारी ना बन जाए। परिणामस्वरूप उन्हें भ्रष्ट उपचारणों के लिप्त होना पड़ा। ये सरकार की उसके खिलाफ 29 अप्रैल से 23 को हटाने के लिए मजबूर करता है। उन पर संवेदित दो आरोपों के लिए 6.3 मिलियन की कमाई की है और जुर्मानों के आरोप लगाया गया है, जो साबित करता है कि अनुमोद के अपनी कंपनी के फंसाने के लिए फिल्मों की शक्ति की धारकों को बताते हुए गुरु के साथ समाप्त होती है कि उनके पिता गलत साबित हुए थे क्योंकि उन्होंने कहा था कि सपने सच नहीं होते हैं, लेकिन वे सभी अब भारत की सबसे बड़ी कंपनी का हिस्सा है। गुरु उससे पूछते हैं कि क्या उन्हें रोकना चाहिए। शेयरधारक उसके बजाय दुनिया की सबसे बड़ी
मणि बनने की इकरार करने के लिए कल्पना लेते हैं। फिल्म वासुदेव शास्त्री के शुरू होती है, जो एक जूनियर रॉ एजेंट एंड एनालिसिस विंग एजेंट से जिसे अक्षम करार दिया जाता है क्योंकि वो एक महत्वपूर्ण मिशन में विफल हो गया था और फिर काम पर रखने के लिए खुद को घायल कर लिया था। बाद में जब वो उदास मार्क पार्क से बैठता है, नंदिनी उसके जीवन का प्यार उसे सांत्वना देती है। उसके बाद फिल्म फ्लैशबैक में जाती है, जहाँ वासुदेव शास्त्री जो एक टॉपर लेकिन आकर्षक व्यक्ति जो आईआईटी में आता है, जहाँ दूसरी रेप पाने के नंदिनी चौहान ईर्ष्या से बाहर आकर अपने निजी जीवन को नरक बनाने का फैसला करते हैं। वह लगातार उससे नफरत करती है, लेकिन वसु हर बार उसे मात दे देता है। केसर के आसपास दोस्तों जूनियर होने के अलावा वो गुप्त रूप से रॉ के लिए अंशकालिक काम करने वाली अपनी हैकिंग प्रभावी का उपयोग करता है। वर्तमान समय में माइकल ने स्टेशन पर आदित्य को बताया कि घर के जलने की बात अपने जेसी के गला घोट दिए वो फिर चला जाता है ताकि अशोक अपना मुठभेड़ कर सके। हालांकि जाने से पहले माइकल आगेश को हैप्पी सोल्स्टाइज कहते हैं, जिसमें आगेश को एक एहसास होता है कि वो आदित्य से बदला लेने के पीछे का कारण, क्योंकि आदित्य प्रत्येक हत्या से पहले आगेश को बुला रहा था और एक ही बात कर रहा था। आगेश आदित्य को उसी पुल पर ले जाता है जहाँ उसे शुरू होता है, जहां आदित्य उसे बताता है कि माइकल और उसके दोस्तों ने सारा को मार डाला। उसी समय माइकल घर जाता है और देखता है कि टेरेसा उसे छोड़ने वाली है। माइकल मानसिक रूप से टूट जा चुका है और उसके हत्या करने का प्रयास करता है। हत्या की जांच करने का काम सौंपा गया है और उसे दो हमशक्ल संदिग्ध मिलते हैं जो एक दूसरे के अस्तित्व को नहीं जानते हैं। शिवानी के लिए चीज़ें तब और जटिल हो जाती हैं जब उन्हें मामले के बारे में नए तथ्य पता चलता है। झालना आदित्य रॉय कपूर, अर्जुन सहगल, सूरज राणा दोहरी भूमिका, मीनाल ठाकुर सब इंस्पेक्टर, शिवानी माथुर के रूप में एसीबी धोरन, यादव के रूप में धोरी रॉय, जाह्नवी के रूप में वेदिका पिंटो, सहगल के रूप में किया खन्ना, पृथ्वी के रूप में मोहित आनंद, एडवोकेट जीवी के रूप में इवान डडिंट, रेड्डी के रूप में दीपक कालरा, नवनीत कौर थिंग, लड़के के रूप में अक्षय भावक जो चंडी को मामला दर्ज करता है। 2019 की थमन की रिलीज के बाद ऐसी अफवाह थी कि ये एक हिंदी रीमेक का कर रही थी। 4 मार्च 2020 को फिल्म का आधिकारिक तौर पर सोशल मीडिया के माध्यम से भूषण कुमार और सूरज मुराद खेतानी द्वारा एक अनाथ अवराध थ्रिलर के रूप में घोषित किया गया था। यह पुष्टि करने हुए कि टी सीरीज और सिने वन वीडियो फिल्म का निर्माण करते रहे नवोदित वर्धन केतकर निर्देशक के रूप में घोषणा की। सिद्धार्थ मल्होत्रा को सबसे पहले मृणाल ठाकुर के साथ मुख्य भूमिका के रूप में घोषित किया गया था। फिल्मांकन 20 नवंबर 2020 को रिलीज की तारीख के साथ 2020 में मध्य के शुरू होता है, लेकिन मार्च 2020 में अंत में कोरोना वायरस के बकरियों के बाद इसे स्थानांतरित कर दिया गया था अज्ञात कारणों से और परियोजना को रोक दिया गया था। जुलाई 2021 में निर्माताओं ने इन्हें लीड के रूप में आदित्य रॉय कपूर के साथ प्रपोजर के पुनरुत्थान के रूप में कि बाद में सितंबर 2021 में मृणाल ठाकुर को योजना का हिस्सा बनने की पुष्टि की। वेदिका भिंटो को आदित्य के विपरीत प्रेम रुचि के कारण प्रदर्शित होने के लिए चुना गया था। रोनित राय और नवजीत कौर थिंड को भी फिल्म के महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए कास्ट किया गया था। फिल्मांकन अक्टूबर 2021 में दशहरा के को अवसर पर फिल्मांकन शुरू हुआ। 2 जुलाई 2022 में मुंबई में शुरू हुआ, जिसमें ठाकुर रोनित राय के साथ शूटिंग में शामिल हुए। टीम ने जुलाई 2022 में फिल्मांकन पूरा किया। मिथुन विशाल मिश्रा, तनिष्क बाक्षी और मोहित बाक्षी ने फिल्म के लिए गाने तैयार किए हैं। विशाल मिश्रा द्वारा गायक संगीतबद्ध और लिखा गया पहला एकल शीर्षक सोनिया जी मार्च 14, 2023 को जारी किया गया था। 18 मार्च 2023 को दनिष्क बाक्षी द्वारा रचित और अरमान मालिक, अजहर एस खान और सलमा आगा गाय घर नहीं जाना नामक एक और गीत जारी किया गया। तीसरी एकल शीर्षक उल्लास है के बंदित 31 मार्च 2023 को जारी किया गया था और शीर्षक ट्रैक 5 अप्रैल 2023 को जारी किया गया था। द टाइम्स ऑफ इंडिया ने धवल राय ने फिल्म को 5/5 स्टार दिया और लिखा, एक आकर्षण फ्लॉड ट्विस्ट और टर्न और अच्छी कहानी कहने के समूह थिएटर ने जाने लायक है। विकलांग के ऋषि ने फिल्म को 5/5 सितारे दी और व्यावसायिक थ्रिलर के तत्वों के साथ फिल्म को बहुत खूबसूरत करार दिए। फर्स्ट वर्क गणेश ने अलविदा फिल्म के लिए और एक कहते हुए 3 सितारे दिए और लिखा, जबकि ठोस मोड़ और भीड़ वाली कहानी रोमांचक लगती है। फिल्म में मनोरंजक तौर
और तेज पटका था कि कभी वह गुमराह के दूसरे स्तर पर ले जाती है। बॉक्स ऑफिस ये दुनिया भर में 1.22 करोड़ की कमाई के साथ बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही। ओपनिंग रिकॉर्ड 5.93 करोड़ था। 27 अप्रैल 2023 तक फिल्म ने भारत में 9.86 करोड़ और विदेश में 0.82 करोड़ की कमाई के दुनिया भर में 10.68 करोड़ की सकल संग्रह किया है। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस रूप कमजोर प्रदर्शन किया। प्रवेश करने के बाद नौकर तीन गोलियों की आवाज़ सुनता है और कमरे में भागता है ये देखने के लिए कि विक्रम की छाती पर तीन गोलियां लगी हैं और रुस्तम हाथ में पिस्तौल लेकर चला रहा है। रुस्तम तुरंत पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर देता है और वरिष्ठ निरीक्षक वेंकट लंबो जाँच शुरू कर देते हैं। विकट की बहन प्रीति मखीजा सरकारी वकील लक्ष्मण मखीजा से रुस्तम को कड़ी सजा लेने लिए मिलती है। रुस्तम किसी भी की मदद लेने के लिए कर देते हैं और अपने दम पर कैसे लड़ने का फैसला करता है। पुलिस हिरासत की तरह नरजीत देता है। रुस्तम के वरिष्ठ नौसेना अधिकारी रियम एडमिरल मिलर ने सीखते हैं कि वो हरी हुई सीथिया रुस्तम को सूचित करता है के लिए जारी लगता है, जो अंत में सीथिया से मिलता है और उसकी कहानी सुनता है, जो कैसे वो अकेले और परेशान जी जब रुस्तम को कई महीने के लिए लंदन चला गया है। प्रीति की मिली भगत से विक्रम ने सीथिया के अकेलेपन का फायदा उठाया और वो उसके पैरों पड़ गए। हालांकि विक्रम की हत्या के दिन सीथिया ने अपनी शादी की आखिरी खातिर पहले ही उसे मन तोड़ लिया था। उसके साथ टूटने के बाद उसे विक्रम द्वारा थप्पड़ मारा जाता है। घायल हो गया विक्रम के घर से बाहर चला गया। स्तंभ के निर्देश पर सीथिया कमर को आवश्यक दस्तावेजों के बदले 5 करोड़ के लिए ब्लैकमेल करती है। अदालत की सुनवाई है। स्तंभ अप्रत्याशित रूप से न्यायाधीश पटेल के सामने दोषी नहीं होने का अनुरोध करता है, जिसके परिणाम स्वरूप 9 सदस्यों जूरी परीक्षण होता है। मुकदमे में साबित पर स्तंभ को जूरी द्वारा दोषी नहीं पाया गया क्योंकि उसने आत्मरक्षा के विक्रम को गोली मार दी थी। इस बीच ये पता चलता है कि लंबो दिल्ली में था और स्तंभ द्वारा किए गए ट्रक कॉल की रिकॉर्डिंग प्राप्त करने के लिए बख्शी से मिला था। मुंबई में वापस आने पर ट्रक कॉल बजाया जाता है। लगभग सभी को विश्वास दिलाया जाता है कि रुस्तम दोषी है और जूरी के लिए उनके प्यार रायता करने के लिए अदालत कार्यवाही समाप्त हो जाता है। फैसले के दिन की पूर्व संध्या पर रुस्तम ने लंबो की भाषा बताया। 1958 में लंदन में एक विमान वाहक पैसा का निरीक्षण करने के लिए कई महीनों तक नौकर था, जिसे नौसेना खरीदना चाहती है, लेकिन निरीक्षा पर रुस्तम ने बताया कि यह की परंपरा जंग था और इसीलिए जाने से वाले विधायक मातों को पीते के लिए विरोधी कहता है और उनके कामत के लिए साथ उन्हें ये कहते के लिए सिस्टम देते प्रयास किया कि बहुत समुद्र में चलने योग्य है। जब रुस्तम ने लंदन में बख्शी की सूचित करने का प्रयास किया तो बख्शी ने उन्हें रुस्तम रिश्वत देने और भाव की भारत लेने की प्रयास करते। विक्रम ने उसे मांगने की कोशिश की और रुस्तम ने गुस्से में उसे थप्पड़ मार दिया। यह मानते हुए कि उसने अपनी वर्दी की ताकत दिखाई है, विक्रम का रुस्तम को अपनी पैसे की ताकत दिखाने के उससे बदला लेने के लिए सीथिया के डेट किया, लेकिन वास्तव में उसे कभी पसंद नहीं किया। रुस्तम विक्रम के प्रतिशोध से कोई धोकर नौसेना जहाज शस्त्र के पिस्तौल किए गए। फिर बख्शी को ये कहते हुए बुलाया कि वो विक्रम को बक्साने वाला नहीं है और उसके पास नौसेना के लिए वाहन की योजना की उजागर करने वाली कागजात है। रुस्तम फिर विक्रम के घर गया और उसे गोली मार दी। उसके बाद बख्शी ने कामत को दस्तावेज लाने के लिए भेजा और जो रुस्तम ने कहा कि उसके पास जो है बुलंबो द्वारा ट्रक कॉल की रिकॉर्डिंग के लिए कहने पर उसे अपने भ्रष्टाचार को छिपाने के लिए आधी रिकॉर्डिंग दे दी है। स्तंभ का कहना है कि उन्होंने विमान माधव पौधे के पोत के बाद उसे ही नहीं बताया ताकि वो नौसेना की छवि खराब ना करे। स्तंभ तब खुलासा करते हैं कि वास्तव में उसके पास बाहु के असली ग्रस्त होने के प्रयास से संबंधित कोई मानवता नहीं था, लेकिन अगले दिन प्रेस को बताता है कि वो एक साधारण ग्रामीण था जो उत्पाद शुल्क का अर्थ भी नहीं समझाता था। सुमा शुल्क बिक्री कर वो सब जानता था कि उसका व्यवसाय था, लेकिन भ्रष्ट नियंत्रक ने यह सुनिश्चित किया कि वो ग्रामीण एक आमिर व्यापारी ना बन जाए। वर्णन स्वरूप उन्हें भ्रष्ट उपचारों के लिप्त होना पड़ा। ये सरकार की उसके खिलाफ 29 आरोपों से 23 को हटाने के लिए मजबूर करता है। उन पर संवेदित 2 आरोपों के लिए 6.3 बिलियन की कमाई की है और जुर्मानों के आरोप लगाया गया है, जो साबित करता है कि अनुमोद के अपनी कंपनी के फंसाने के लिए फिल्मों की शक्ति के शहरधारकों को बताते हुए गुरु के साथ समाप्त होती है कि उनके पिता गलत साबित हुए थे क्योंकि उन्होंने कहा था कि सपने सच नहीं होते हैं, लेकिन वे सभी अब भारत की सबसे बड़ी कंपनी का हिस्सा है। गुरु उससे पूछते हैं कि क्या उन्हें रोकना चाहिए। शेयरधारक उसके बजाय दुनिया की सबसे बड़ी
मणि बनने की इकरार करने के लिए कल्पना लेते हैं। फिल्म वासुदेव शास्त्री के शुरू होती है, जो एक जूनियर रॉ एजेंट एंड एनालिसिस विंग एजेंट से जिसे अक्षम करार दिया जाता है क्योंकि वो एक महत्वपूर्ण मिशन में विफल हो गया था और फिर काम पर रखने के लिए खुद को घायल कर लिया था। बाद में जब वो उदास मार्क पार्क से बैठता है, नंदिनी उसके जीवन का प्यार उसे सांत्वना देती है। उसके बाद फिल्म फ्लैशबैक में जाती है, जहां वासुदेव शास्त्री जो एक टॉपर लेकिन आकर्षक व्यक्ति है, जो आईआईटी में आता है, जहां दूसरी रेप पाने के नंदिनी चौहान ईर्ष्या से बाहर आकर अपने निजी जीवन को नरक बनाने का फैसला करते हैं। वो लगातार उससे नफरत करती है, लेकिन वसु हर बार उसे मात दे देता है। केसर के आसपास दोस्तों ना जूनियर होने के अलावा वो गुप्त रूप से रॉ के लिए अंशकालिक काम करने वाली अपनी हैकिंग प्रभावी का उपयोग करता है। वर्तमान समय में माइकल ने स्टेशन पर आदित्य को बताया कि घर के जलने की बात अपने जेसी के गला घोट दिए। वो फिर चला जाता है ताकि अशोक अपना मुठभेड़ कर सके। हालांकि जाने से पहले माइकल आगेश को हैप्पी सोल्स्टाइज कहते हैं, जिसमें आगेश को एक एहसास होता है कि वो आदित्य से बदला लेने के पीछे का कारण, क्योंकि आदित्य प्रत्येक हत्या से पहले आगेश को बुला रहा था और एक ही बात कर रहा था। आगेश आदित्य को उसी पुल पर ले जाता है जहाँ उसे शुरू होता है, जहां आदित्य उसे बताता है कि माइकल और उसके दैत्यों ने मारा सारा को मार डाला। उसी समय माइकल घर जाता है और देखता है कि टेरेसा उसे छोड़ने वाली है। माइकल मानसिक रूप से टूट जा चुका है और उसकी हत्या करने का प्रयास करता है। हत्या की जांच करने का काम सौंपा गया है और उसे दो हमशक्ल संदिग्ध मिलते हैं जो एक दूसरे के अस्तित्व को नहीं जानते हैं। शिवानी के लिए चीज़ें तब और जटिल हो जाती है जब उन्हें मामले के बारे में नए तथ्य पता चलता है। ढालना आदित्य रॉय कपूर, अर्जुन सहगल, सूरज राणा दोहरी भूमिका, मीनाल ठाकुर सब इंस्पेक्टर, शिवानी माथुर के रूप में ए सी बी धोरन, यादव के रूप में धोनी रॉय, जाह्नवी के रूप में वेदिका पिंटो, सहगल के रूप में किया खन्ना, पृथ्वी के रूप में मोहित आनंद, एडवोकेट जीवी के रूप में इवान डडिंट, रेड्डी के रूप में दीपक कालरा, नवनीत कौर थिंग, लड़के के रूप में अक्षय भावक जो चंडी को मामला दर्ज करता है। 2019 की थमन की रिलीज के बाद ऐसी अफवाह थी कि ये एक हिंदी रीमेक का कर रही थी। 4 मार्च 2020 को फिल्म का आधिकारिक तौर पर सोशल मीडिया के माध्यम से भूषण कुमार और सूरज मुरत खेतानी द्वारा एक अनाथ अवराध थ्रिलर के रूप में घोषित किया गया था। यह पुष्टि करने हुए कि टी सीरीज और सिने वन वीडियो फिल्म का निर्माण करते रहे नवोदित वर्धन केतकर निर्देशक के रूप में घोषणा की। सिद्धार्थ मल्होत्रा को सबसे पहले मृणाल ठाकुर के साथ मुख्य भूमिका के रूप में घोषित किया गया था। फिल्मांकन 20 नवंबर 2020 को रिलीज की तारीख के साथ 2020 में मध्य के शुरू होता है, लेकिन मार्च 2020 में अंत में कोरोना वायरस के बकरियों के बाद इसे स्थानांतरित कर दिया गया था अज्ञात कारणों से और परियोजना को रोक दिया गया था। जुलाई 2021 में निर्माताओं ने इन्हें लीड के रूप में आदित्य रॉय कपूर के साथ प्रपोजर के पुनरुत्थान के रूप में कि बाद में सितंबर 2021 में मृणाल ठाकुर को योजना का हिस्सा बनने की पुष्टि की। वेदिका भिंटो को आदित्य के विपरीत प्रेम रुचि के कारण प्रदर्शित होने के लिए चुना गया था। रोनित राय और नवजीत कौर थिंड को भी फिल्म के महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए कास्ट किया गया था। फिल्मांकन अक्टूबर 2021 दशहर के अवसर पर फिल्म का शुरू हुआ। 2 मई 2022 में मुंबई में शुरू हुआ, जिसमें ठाकुर रोनित राय के साथ शूटिंग में शामिल हुए। टीम ने जुलाई 2022 में फिल्मांकन पूरा किया। मिथुन विशाल मिश्रा, तनिष्क बाख्शी और मोहित बाख्शी ने फिल्म के लिए गाने तैयार किए हैं। विशाल मिश्रा द्वारा गायक संगीतबद्ध और लिखा गया पहला एकल शीर्षक सोनिया जी मार्च 14, 2023 को जारी किया गया था। 18 मार्च 2023 को दनिष्क बाख्शी द्वारा अजीत और अरमान मालिक, जहर एस खान और महल सलमा आगा गाए गए घर नहीं जाना नामक एक और गीत जारी किया गया। तीसरी एकल शीर्षक उल्लास है के बंदित 31 मार्च 2023 को जारी किया गया था और शीर्षक ट्रैक 5 अप्रैल 2023 को जारी किया गया था। द टाइम्स ऑफ इंडिया ने धवल राय ने फिल्म को 5/5 स्टार दिया और लिखा, एक आकर्षण फ्लॉड ट्विस्ट और टर्न और अच्छी कहानी कहने के समूह थिएटर ने जाने लायक है। विकलंग के ऋषि ने फिल्म को 5/5 सितारे दी और व्यावसायिक थ्रिलर के तत्वों के साथ फिल्म को बहुत खूबसूरत करार दिए। फर्स्ट वर्क गणेश ने फिल्म के लिए
और एक कहते हुए 3 सितारे दिए और लिखा, जबकि ठोस मोड़ और भीड़ वाली कहानी रोमांचक लगती है, फिल्म में मनोरंजक तौर और तेज पटका था कि कभी वह गुमराह के दूसरे स्तर पर ले जाते हैं। बॉक्स ऑफिस, ये दुनिया भर में 1.22 करोड़ की कमाई के साथ बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही। ओपनिंग रिकॉर्ड 5.93 करोड़ था। 27 अप्रैल 2023 तक फिल्म ने भारत में 9.86 करोड़ और विदेश में 0.82 करोड़ की कमाई के दुनिया भर में 10.68 करोड़ की सकल संग्रह किया है। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस रूप कमजोर प्रदर्शन किया। प्रवेश करने के बाद नौकर 3 गोलियों की आवाज़ सुनता है और कमरे में भागता है, ये देखने के लिए कि विक्रम की छाती पर 3 गोलियां लगी हैं और रुस्तम हाथ में पिस्तौल लेकर चला रहा है। रुस्तम तुरंत पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर देता है और वरिष्ठ निरीक्षक वेंकट लंबो जाँच शुरू कर देते हैं। विकट की बहन प्रीति मखीजा सरकारी वकील लक्ष्म मखीजा से रुस्तम को कड़ी सजा लेने लिए मिलती है। रुस्तम किसी भी की मदद लेने के लिए कर देते हैं और अपने दम पर कैसे लड़ने का फैसला करता है। पुलिस हिरासत की तरह नरजीत देता है। रुस्तम के वरिष्ठ नौसेना अधिकारी रियम एडमिरल मिलर ने सीखते हैं कि वो हरी हुई सीथिया रुस्तम को सूचित करता है के लिए जारी लगता है, जो अंत में सीथिया से मिलता है और उसकी कहानी सुनता है, जो कैसे वो अकेले और परेशान जी जब रुस्तम को कई महीने के लिए लंदन चला गया है। प्रीति की मिली भगत से विक्रम ने सीथिया के अकेलेपन का फायदा उठाया और वो उसके पैरों पर गए। हालांकि विक्रम की हत्या के दिन सीथिया ने अपनी शादी की आखिरी खातिर पहले ही उसे मन तोड़ लिया था। उसके साथ टूटने के बाद उसे विक्रम द्वारा थप्पड़ मारा जाता है, घायल हो गया, विक्रम के घर से बाहर चला गया। रुस्तम के निर्देश पर सीथिया कमर को आवश्यक दस्तावेजों के बदले 5 करोड़ के लिए ब्लैकमेल करती है। अदालत की सुनवाई है। रुस्तम अप्रत्याशित रूप से न्यायाधीश पटेल के सामने दोषी नहीं होने का अनुरोध करता है, जिसके परिणाम स्वरूप 9 सदस्यों जूरी परीक्षण होता है। मुकदमे में साबित पर रुस्तम को जूरी द्वारा दोषी नहीं पाया गया क्योंकि उसने आत्मरक्षा के विक्रम को गोली मार दी थी। इस बीच ये पता चलता है कि लंबो दिल्ली में था और रुस्तम द्वारा किए गए ट्रक कॉल की रिकॉर्डिंग प्राप्त करने के लिए बख्शी से मिला था। मुंबई में वापस आने पर ट्रक कॉल बजाया जाता है। लगभग सभी को विश्वास दिलाया जाता है कि रुस्तम दोषी है और जूरी के लिए उनके प्यार रायता करने के लिए अदालत कार्यवाही समाप्त हो जाता है। फैसले के दिन की पूर्व संध्या पर रुस्तम ने लंबो की बताया 1958 लंदन में एक विमान वाहक पैसा का निरीक्षण करने के लिए कई महीनों तक नौकर था जिसे नौसेना खरीदना चाहती है, लेकिन निरीक्षा पर रुस्तम ने बताया कि हक की परंपरा जंग था और इसीलिए जाने से वाले विधायक मातो को पीते के लिए विरोधी कहता है और उनके कामत के लिए साथ उन्हें ये कहते के लिए सिस्टम देते प्रयास किया कि बहुत समुद्र में चलने योग्य है। जब रुस्तम ने लंदन में बख्शी की सूचित करने का प्रयास किया तो बख्शी ने उन्हें रुस्तम रिश्वत देने और भाव की भारत लेने की प्रयास करते हैं। विक्रम ने उसे मांगने की कोशिश की और रुस्तम ने गुस्से में उसे थप्पड़ मार दिया। यह मानते हुए कि उसने अपनी वर्दी की ताकत दिखाई है, विक्रम का रुस्तम को अपनी पैसे की ताकत दिखाने के उससे बदला लेने के लिए सीथिया से डेट किया, लेकिन वास्तव में उसे कभी पसंद नहीं किया। रुस्तम विक्रम के प्रतिशोध से कोई धोकर नौसेना जहाज शस्त्र के पिस्तौल किए गए। फिर बख्शी को ये कहते हुए बुलाया कि वो विक्रम को बख्शाने वाला नहीं है और उसके पास नौसेना के लिए वाहन की योजना की उजागर करने वाले कागजात है। रुस्तम फिर विक्रम के घर गया और उसे गोली मार दी। उसके बाद बख्शी ने कामत को दस्तावेज लाने के लिए भेजा और जो रुस्तम ने कहा कि उसके पास जो है बुलंबो द्वारा ट्रक कॉल के रिकॉर्डिंग के लिए कहने पर उसे अपने भ्रष्टाचार को छिपाने के लिए आधी रिकॉर्डिंग दे दी है। रुस्तम का कहना है कि उन्होंने विमान माधव पौधे के पोत के बाद कुछ ही नहीं बताया ताकि बोनो सेना की छवि खराब ना करे। रुस्तम तब खुलासा करते हैं कि वास्तव में उसके पास बाहु के अस्थिग्रस्त होने के प्रयास से संबंधित कोई मानवता नहीं था, लेकिन अगले दिन प्रेस को बताता है कि वो एक साधारण ग्रामीण था जो उत्पाद शुल्क का अर्थ भी नहीं समझाता था। सुमा शुल्क बिक्री कर वो सब जानता था कि उसका व्यवसाय था, लेकिन भ्रष्ट नियंत्रक ने यह सुनिश्चित किया कि वो ग्रामीण एक आमिर व्यापारी ना बन जाए। वर्णान स्वरूप उन्हें भ्रष्ट उपचारों के लिप्त होना पड़ा। ये सरकार की उसके खिलाफ 29 आरोपों से 23 को हटाने के लिए मजबूर करता है। उन पर संवेदित 2 आरोपों के लिए 6.3 बिलियन
की कमाई की है और जुर्मानों के आरोप लगाया गया है, जो साबित करता है कि अनुमोद के अपनी कंपनी के फंसाने के लिए फिल्मों की शक्ति के शेयरधारकों को बताते हुए गुरु के साथ समाप्त होती है कि उनके पिता गलत साबित हुए थे, क्योंकि उन्होंने कहा था कि सपने सच नहीं होते हैं, लेकिन वे सभी अब भारत की सबसे बड़ी कंपनी का हिस्सा है। गुरु उससे पूछते हैं कि क्या उन्हें रोकना चाहिए, शेयरधारक उसके बजाय दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी बनने की इकरार करने के लिए कल्पना लेते हैं। फिल्म वासुदेव शास्त्री के शुरू होती है, जो एक जूनियर रॉ एजेंट एंड एनालिसिस विंग एजेंट से जिसे अक्षम करार दिया जाता है, क्योंकि वो एक महत्वपूर्ण मिशन में विफल हो गया था और फिर काम पर रखने के लिए खुद को घायल कर लिया था। बाद में जब वो उदास मार्क पार्क से बैठता है, नंदिनी उसके जीवन का प्यार उसे सांत्वना देती है। उसके बाद फिल्म फ्लैशबैक में जाती है, जहाँ वासुदेव शास्त्री जो एक टॉपर लेकिन आकर्षक व्यक्ति है, जो IIT में आता है, जहाँ दूसरी रेप पाने के नंदिनी चौहान ईर्ष्या से बाहर आकर अपने निजी जीवन को नरक बनाने का फैसला करते हैं। वो लगातार उससे नफरत करती है, लेकिन बसु हर बार उसे मात दे देता है। केसर के आसपास दोस्तों और जूनियर होने के अलावा वो गुप्त रूप से रॉ के लिए अंशकालिक काम करने वाली अपनी हैकिंग प्रभावी का उपयोग करता है। वर्तमान समय में माइकल ने स्टेशन पर आदित्य को बताया कि घर के जलने की बात अपने जेसी के गला घोट दिए वो फिर चला जाता है, ताकि अशोक अपना मुठभेड़ कर सके। हालांकि जाने से पहले माइकल आगेश को हैप्पी सोल्स्टाइज कहते हैं, जिसमें आगेश को एक एहसास होता है कि वो आदित्य से बदला लेने के पीछे का कारण, क्योंकि आदित्य प्रत्येक हत्या से पहले आगेश को बुला रहा था और एक ही बात कर रहा था। आगेश आदित्य को उसी पुल पर ले जाता है जहाँ उसे शुरू होता है, जहां आदित्य उसे बताता है कि माइकल और उसके दोस्तों ने सारा को मार डाला। उसी समय माइकल घर जाता है और देखता है कि टेरेसा उसे छोड़ने वाली है। माइकल मानसिक रूप से टूट जा चुका है और उसकी हत्या करने का प्रयास करता है। हत्या की जांच करने का काम सौंपा गया है और उसे दो हमशक्ल संदिग्ध मिलते हैं, जो एक दूसरे के अस्तित्व को नहीं जानते हैं। शिवानी के लिए चीज़ें तब और जटिल हो जाती है जब हमें मामले के बारे में नए तथ्य पता चलता है। धारणा आदित्य रे कपूर, अर्जुन सहगल, सूरज राणा दोहरी भूमिका, मीनाल ठाकुर सब इंस्पेक्टर, शिवानी माथुर के रूप में SAB धोरन, यादव के रूप में धोरित रॉय, जानवी के रूप में वेदिका पिंटो, सहगल के रूप में किया खन्ना, पृथ्वी के रूप में मोहित आनंद, एडवोकेट GB के रूप में इवान डडिंट, रेड्डी के रूप में दीपक कालरा, नवनीत कौर थिंग, लड़के के रूप में अक्षय भावक, जो चंडी को मामला दर्ज करता है। 2019 की थमन की रिलीज के बाद ऐसी अफवाह थी कि ये एक हिंदी रीमेक का कर रही थी। 4 मार्च 2020 को फिल्म का आधिकारिक तौर पर सोशल मीडिया के माध्यम से भूषण कुमार और मुराद खेतानी द्वारा एक अनाथ अवराध थ्रिलर के रूप में घोषित किया गया था। यह पुष्टि करने हुए कि टी सीरीज और सिने वन वीडियो फिल्म का निर्माण करते रहे नवोदित वर्धन केतकर निर्देशक के रूप में घोषणा की। सिद्धार्थ मल्होत्रा को सबसे पहले मृणाल ठाकुर के साथ मुख्य भूमिका के रूप में घोषित किया गया था। फिल्मांकन 20 नवंबर 2020 को रिलीज की तारीख के साथ 2020 में अंत के शुरू होता है, लेकिन मार्च 2020 में अंत में कोरोना वायरस के बकरियों के बाद इसे स्थानांतरित कर दिया गया था अज्ञात कारणों से और परियोजना को रोक दिया गया था। जुलाई 2021 में निर्माताओं ने इन्हें लीड के रूप में आदित्य रॉय कपूर के साथ प्रपोजर के पुनरुत्थान के रूप में कि बाद में सितंबर 2021 में मृणाल ठाकुर को योजना का हिस्सा बनने की पुष्टि की। वेदिका भिंटो को आदित्य के विपरीत प्रेम रुचि के कारण प्रदर्शित होने के लिए चुना गया था। रोनित राय और नवजीत कौर थिंड को भी फिल्म के महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए कास्ट किया गया था। फिल्मांकन अक्टूबर 2021 में दशहर के अवसर पर फिल्मांकन शुरू हुआ। 2 जुलाई 2022 में मुंबई में शुरू हुआ, जिसमें ठाकुर रोनित राय के साथ शूटिंग में शामिल हुए। टीम ने जुलाई 2022 में फिल्मांकन पूरा किया। मिथुन विशाल मिश्रा, तनिष्क बाक्षी और मोहित बाक्षी ने फिल्म के लिए गाने तैयार किए हैं। विशाल मिश्रा द्वारा गायक संगीतबद्ध और लिखा गया पहला एकल शीर्षक सोनिया जी मार्च 14, 2023 को जारी किया गया था। 18 मार्च 2023 को दनिष बाख्शी द्वारा रचित और अरमान मालिक, जहर एस खान और महल सलमा आगा द्वारा गाए घर नहीं जाना नामक एक और गीत जारी किया गया। तीसरी एकल शीर्षक उल्लास है के बंदित 31 मार्च 2023 को जारी किया गया था और शीर्षक ट्रैक 5 अप्रैल 2023 को जारी किया गया था। द टाइम्स ऑफ इंडिया ने धवल राय ने फिल्म को 5/5 स्टार दिया और लिखा, एक आकर्षण प्लॉट ट्विस्ट और टर्न और अच्छी कहानी कहने के समूह थिएटर ने जाने लायक है। विकलांग के ऋषि
खान ने फिल्म को 5 में से 3.5 सितारे दिए और व्यावसायिक थ्रिलर के तत्वों के साथ फिल्म को बहुत खूबसूरत करार दिए। फर्स्ट वर्क गणेश ने अलविदा फिल्म के लिए और एक कहते हुए 3 सितारे दिए और लिखा, जबकि ठोस मोड़ और भीड़ वाली कहानी रोमांचक लगती है। फिल्म में मनोरंजक तौर और तेज पटका था कि कभी वह गुमराह के दूसरे स्तर पर ले जाते हैं। बॉक्स ऑफिस ये दुनिया भर में 1.22 करोड़ की कमाई के साथ बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही। ओपनिंग रिकॉर्ड 5.93 करोड़ था। 27 अप्रैल 2023 तक फिल्म ने भारत में 9.86 करोड़ और विदेश में 0.82 करोड़ की कमाई की। दुनिया भर में 10.68 करोड़ की सकल संग्रह किया है। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस रूप में कमजोर प्रदर्शन किया। प्रवेश करने के बाद नौकर 3 गोलियों की आवाज़ सुनता है और कमरे में भागता है, ये देखने के लिए कि विक्रम की छाती पर 3 गोलियां लगी हैं और रुस्तम हाथ में पिस्तौल लेकर चला रहा है। रुस्तम तुरंत पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर देता है और वरिष्ठ निरीक्षक वेंकट लंबो जाँच शुरू कर देते हैं। विकट की बहन प्रीति मखीजा सरकारी वकील लक्ष्म सखीजा से रुस्तम को कड़ी सजा लेने लिए मिलती है। रुस्तम किसी भी की मदद लेने के लिए कर देते हैं और अपने दम पर कैसे लड़ने का फैसला करता है। पुलिस हिरासत की तरह नरजीत देता है। रुस्तम के वरिष्ठ नौसेना अधिकारी रियम एडमिरल मिलर ने सीखते हैं कि वो हरी हुई सीथिया रुस्तम को सूचित करता है के लिए जारी लगता है, जो अंत में सीथिया से मिलता है और उसकी कहानी सुनता है, जो कैसे वो अकेले और परेशान जी जब रुस्तम को कई महीने के लिए लंदन चला गया है। प्रीति की मिली भगत से विक्रम ने सीथिया के अकेलेपन का फ़ायदा उठाया और वो उसके पैर पड़ गए। हालांकि विक्रम की हत्या के दिन सीथिया ने अपने शादी की आखिरी खातिर पहले ही उसे मन तोड़ लिया था। उसके साथ टूटने के बाद उसे विक्रम द्वारा थप्पड़ मारा जाता है। घायल हो गया विक्रम के घर से बाहर चला गया। रुस्तम के निर्देश पर सीधिया कमर को आवश्यक दस्तावेजों के बदले 5 करोड़ के लिए ब्लैकमेल करती है। अदालत की सुनवाई है। रुस्तम अप्रत्याशित रूप से न्यायाधीश पटेल के सामने दोषी नहीं होने का अनुरोध करता है, जिसके परिणाम स्वरूप 9 सदस्यों जूरी परीक्षण होता है। मुकदमे में साबित पर रुस्तम को जूरी द्वारा दोषी नहीं पाया गया क्योंकि उसने आत्मरक्षा के विक्रम को गोली मार दी थी। इस बीच ये पता चलता है कि लंबो दिल्ली में था और रुस्तम द्वारा किए गए ट्रक कॉल की रिकॉर्डिंग प्राप्त करने के लिए बख्शी से मिला था। मुंबई में वापस आने पर ट्रक कॉल बजाया जाता है। लगभग सभी को विश्वास दिलाया जाता है कि रुस्तम दोषी है और जूरी के लिए उनके प्यार रायता करने के लिए अदालत कार्यवाही समाप्त हो जाता है। फैसले के दिन की पूर्व संध्या पर रुस्तम ने लंबो की बताया 1958 लंदन में एक विमान वाहक पैसा का निरीक्षण करने के लिए कई महीनों तक नौकर छा जिसे नौसेना खरीदना चाहती है, लेकिन निरीक्षा पर रुस्तम ने बताया कि हक की परंपरा जंग था और इसीलिए जाने से वाले विधायक मातो को पीते के लिए विरोधी कहता है और उनके कामत के लिए साथ उन्हें ये कहते के लिए सिस्टम देते प्रयास किया कि बाहक समुद्र में चलने योग्य है। जब रुस्तम ने लंदन में बख्शी की सूचित करने का प्रयास किया तो बख्शी ने उन्हें रुस्तम रिश्वत देने और भाव की भारत लेने की प्रयास करते हैं। विक्रम ने उसे मांगने की कोशिश की और रुस्तम ने गुस्से में उसे थप्पड़ मार दिया। ये मानते हुए कि उसने अपनी वर्दी की ताकत दिखाई है, विक्रम का रुस्तम को अपनी पैसे की ताकत दिखाने के उससे बदला लेने के लिए सीथिया के डेट किया, लेकिन वास्तव में उसे कभी पसंद नहीं किया। रुस्तम विक्रम के प्रतिशोध से कोई धोकर नौसेना जहाज शस्त्र के पिस्तौल किए गए। फिर बख्शी को ये कहते हुए बुलाया कि वो विक्रम को बख्साने वाला नहीं है और उसके पास नौसेना के लिए वाहन की योजना की उजागर करने वाली कागजात है। रुस्तम फिर विक्रम के घर गया और उसे गोली मार दी। उसके बाद बख्शी ने कामत को दस्तावेज लाने के लिए भेजा और जो रुस्तम ने कहा कि उसके पास जो है बुलंबो द्वारा ट्रक कॉल की रिकॉर्डिंग के लिए कहने पर उसे अपने भ्रष्टाचार को छिपाने के लिए आधी रिकॉर्डिंग दे दी है। रुस्तम का कहना है कि उन्होंने विमान माधव पौधे के पोत के बाद कुछ ही नहीं बताया ताकि दोनों सेना की छवि खराब ना करे। रुस्तम तब खुलासा करते हैं कि वास्तव में उसके पास बहाव के अस्त होने के प्रयाण से संबंधित कोई मानवता नहीं था, लेकिन अगले दिन प्रेस को बताता है कि वो एक साधारण ग्रामीण था जो उत्पाद शुल्क का अर्थ भी नहीं समझाता था। सुहा शुल्क बिक्री कर वो सब जानता था कि उसका समस्या व्यवसाय था, लेकिन भ्रष्ट नियंत्रक ने यह सुनिश्चित किया कि वो ग्रामीण एक आमिर व्यापारी ना बन जाए। वर्णान स्वरूप उन्हें भ्रष्टोपचारों के लिप्त होना पड़ा। ये सरकार की उसके खिलाफ 29 आरोपों से 23 को हटाने के लिए मजबूर करता है। उन पर संबंधित 2 आरोपों के लिए 6.3 बिलियन की कमाई की है और जुर्मानों के आरोप लगाया गया है, जो साबित करता है कि अनुमोद के अपनी कंपनी के फंसाने के लिए फिल्मों की शक्ति के
धर्मसहर धारोको को बताते हुए गुरु के साथ समाप्त होती है कि उनके पिता गलत साबित हुए थे क्योंकि उन्होंने कहा था कि सपने सच नहीं होते हैं, लेकिन वे सभी अब भारत की सबसे बड़ी कंपनी का हिस्सा है। गुरु उससे पूछते हैं कि क्या उन्हें रोकना चाहिए। शेयर धारक उसके बजाय दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी बनने की इकरार करने के लिए कल्पना लेते हैं। फिल्म वासुदेव शास्त्री का शुरू होती है जो एक जूनियर रॉ एजेंट एंड एनालिसिस विंग एजेंट से जिसे अक्षम करार दिया जाता है क्योंकि वो एक महत्वपूर्ण मिशन में विफल हो गया था और फिर काम पर रखने के लिए खुद को घायल कर लिया था। बाद में जब वो उदास मार्क पार्क से बैठता है, नंदिनी उसके जीवन का प्यार उसे सांत्वना देती है। इसके बाद फिल्म फ्लैशबैक में जाती है जहाँ वासुदेव शास्त्री जो एक टॉपर लेकिन आकर्षक व्यक्ति जो IIT में आता है, जहाँ दूसरी रेप पाने के नंदिनी चौहान ईर्ष्या से बाहर आकर अपने निजी जीवन को नरक बनाने का फैसला करते हैं। वो लगातार उससे नफरत करती है लेकिन बसु हर बार उसे मात दे देता है। केसर के आसपास दोस्तों जूनियर होने के अलावा वो गुप्त रूप से रॉ के लिए अंशकालिक काम करने वाली अपनी हैकिंग प्रभावी का उपयोग करता है। वर्तमान समय में माइकल ने स्टेशन पर आदित्य को बताया कि घर के जलने की बात अपने जेसी के गला घोट दिए वो फिर चला जाता है ताकि अशोक अपना मुठभेड़ कर सके। हालांकि जाने से पहले माइकल आगेश को हैप्पी सोल्स्टाइज कहते हैं, जिसमें आगेश को एक एहसास होता है कि वो आदित्य से बदला लेने के पीछे का कारण, क्योंकि आदित्य प्रत्येक हत्या से पहले आगेश को बुला रहा था और एक ही बात कर रहा था। आगेश आदित्य को उसी पुल पर ले जाता है जहाँ उसे शुरू होता है, जहाँ आदित्य उसे बताता है कि माइकल और उसके दोस्तों ने सारा को मार डाला। उसी समय माइकल घर जाता है और देखता है कि टेरेसा उसे छोड़ने वाली है। माइकल मानसिक रूप से टूट जा चुका है और उसकी हत्या करने का प्रयास करता है। हत्या की जांच करने का काम सौंपा गया है और उसे दो हमशक्ल संदिग्ध मिलते हैं जो एक दूसरे के अस्तित्व को नहीं जानते हैं। शिवानी के लिए चीज़ें तब और जटिल हो जाती है जब हमें मामले के बारे में नए तथ्य पता चलता है। ढालना आदित्य रॉय कपूर, अर्जुन सहगल, सूरज राणा दोहरी भूमिका, मीनाल ठाकुर सब इंस्पेक्टर, शिवानी माथुर के रूप में SAB धोरेन, यादव के रूप में दोहरी रॉय, जाह्नवी के रूप में वेदिका पिंटो, सहगल के रूप में किया खन्ना, पृथ्वी के रूप में मोहित आनंद, एडवोकेट GB के रूप में इवान डडिंट, रेड्डी के रूप में दीपक कालरा, नवनीत कौर थिंग, लड़के के रूप में अक्षय भावक जो चंडी को मामला दर्ज करता है। 2019 की थमन की रिलीज के बाद ऐसी अफवाह थी कि ये एक हिंदी रीमेक का कर रही थी। 4 मार्च 2020 को फिल्म को आधिकारिक तौर पर सोशल मीडिया के माध्यम से भूषण कुमार और सूरज मुरत खेतानी द्वारा एक अनाथ अवरात थ्रिलर के रूप में घोषित किया गया था। यह पुष्टि करने के लिए कि टी सीरीज और सिने वन वीडियो फिल्म का निर्माण करते रहे नवोदित वर्धन केतकर निर्देशक के रूप में घोषणा की। सिद्धार्थ मल्होत्रा को सबसे पहले मृणाल ठाकुर के साथ मुख्य भूमिका के रूप में घोषित किया गया था। फिल्मांकन 20 नवंबर 2020 को रिलीज की तारीख के साथ 2020 में मध्य के शुरू होता है, लेकिन मार्च 2020 में अंत में कोरोना वायरस के प्रकोप के बाद इसे स्थानांतरित कर दिया गया था अज्ञात कारणों से और परियोजना को रोक दिया गया था। 2021 में निर्माताओं ने इन्हें लीड के रूप में आदित्य रॉय कपूर के साथ प्रपोजर के पुनरुत्थान के रूप में कि बाद में सितंबर 2021 में मृणाल ठाकुर को योजना का हिस्सा बनने की पुष्टि की। वेदिका पिंटो को आदित्य के विपरीत प्रेम रुचि के कारण प्रदर्शित होने के लिए चुना गया था। रोनित रॉय और नवजीत कौर थिंड को भी फिल्म के महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए कास्ट किया गया था। फिल्मांकन अक्टूबर 2021 में दशहर के अवसर पर फिल्मांकन शुरू हुआ। 2 मई 2022 में मुंबई में शुरू हुआ जिसमें ठाकुर रोनित रॉय के साथ शूटिंग में शामिल हुए। टीम ने 2 जुलाई 2022 में फिल्मांकन पूरा किया। मिथुन विशाल मिश्रा, तनिष्क बाक्षी और मोहित बाक्षी ने फिल्म के लिए गाने तैयार किए हैं। विशाल मिश्रा द्वारा गायक संगीतबद्ध और लिखा गया पहला एकल शीर्षक सोनिया जी मार्च 14, 2023 को जारी किया गया था। 18 मार्च 2023 को धनिष बाक्षी रचित और अरमान मालिक, जहर एस खान और महल सलमा आगा घर नहीं जाना नामक एक और गीत जारी किया गया। तीसरी एकल शीर्षक उल्लास है के बंदे 31 मार्च 2023 को जारी किया गया था और शीर्षक ट्रैक 5 अप्रैल 2023 को जारी किया गया था। द टाइम्स ऑफ इंडिया ने धवल राय ने फिल्म को 5.5 स्टार दिया और लिखा एक आकर्षण फ्लॉड ट्विस्ट और टर्न और अच्छी कहानी कहने के समूह थिएटर ने जाने लायक है। विकलंग के ऋषि ने फिल्म को 5 में से 3.5 सितारे दी और व्यावसायिक थ्रिलर के तत्वों के साथ फिल्म को बहुत खूबसूरत करार दिए। फर्स्ट वार गणेश ने रॉयल वेदर फिल्म के लिए
और एक कहते हुए 3 सितारे दिए और लिखा, जबकि ठोस मोड़ और भीड़ वाली कहानी रोमांचक लगती है, फिल्म में मनोरंजक तौर और तेज पटकथा की कभी वह गुमराह के दूसरे स्तर पर ले जाते हैं। बॉक्स ऑफिस ये दुनिया भर में 1.22 करोड़ की कमाई के साथ बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप नहीं, ओपनिंग रिकॉर्ड 5.93 करोड़ था। 27 अप्रैल 2023 तक फिल्म ने भारत में 9.86 करोड़ और विदेश में 0.82 करोड़ की कमाई के दुनिया भर में 10.68 करोड़ की सकल संग्रह किया है। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस रूप में कमजोर प्रदर्शन किया। प्रवेश करने के बाद नौकर 3 गोलियों की आवाज़ सुनता है और कमरे में भागता है, ये देखने के लिए कि विक्रम की छाती पर 3 गोलियां लगी हैं और रुस्तम हाथ में पिस्तौल लेकर चला रहा है। रुस्तम तुरंत पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर देता है और वरिष्ठ निरीक्षक वेंकट लंबो जाँच शुरू कर देते हैं। विकट की बहन प्रीति मखीजा सरकारी वकील लक्ष्म मखीजा से रुस्तम को कड़ी से जांच लेने लिए मिलती है। रुस्तम किसी भी की मदद लेने के लिए कर देते हैं और अपने दम पर कैसे लड़ने का फैसला करता है। पुलिस हिरासत की तरह नरजीत देता है। रुस्तम के वरिष्ठ नौसेना अधिकारी रियम एडमिरल मिलर ने सीखते हैं कि वो हरी हुई सीथिया रुस्तम को सूचित करता है के लिए जारी लगता है, जो अंत में सीथिया से मिलता है और उसकी कहानी सुनता है, जो कैसे वो अकेले और परेशान जी जब रुस्तम को कई महीने के लिए लंदन चला गया है। प्रीति की मिली भगत से विक्रम ने सीथिया के अकेलेपन का फायदा उठाया और वो उसके पैरों पड़ गए। हालांकि विक्रम की हत्या के दिन सीथिया ने अपने शादी की आखिरी खातिर पहले ही उसे मन तोड़ लिया था। उसके साथ टूटने के बाद उसे विक्रम द्वारा थप्पड़ मारा जाता है, घायल हो गया, विक्रम के घर से बाहर चला गया। रुस्तम के निर्देश पर सीथिया कमर को आवश्यक दस्तावेजों के बदले 5 करोड़ के लिए ब्लैकमेल करती है। अदालत की सुनवाई है। रुस्तम अप्रत्याशित रूप से न्यायाधीश पटेल के सामने दोषी नहीं होने का अनुरोध करता है, जिसके परिणामस्वरूप 9 सदस्यों जूरी परीक्षण होता है। मुकदमे में साबित पर रुस्तम को जूरी द्वारा दोषी नहीं पाया गया क्योंकि उसने आत्मरक्षा के विक्रम को गोली मार दी थी। इस बीच ये पता चलता है कि लंबो दिल्ली में था और रुस्तम द्वारा किए गए ट्रक कॉल की रिकॉर्डिंग प्राप्त करने के लिए बख्शी से मिला था। मुंबई में वापस आने पर ट्रक कॉल बजाया जाता है। लगभग सभी को विश्वास दिलाया जाता है कि रुस्तम दोषी है और जूरी के लिए उनके प्यार रायता करने के लिए अदालत कार्यवाही समाप्त हो जाता है। फैसले के दिन की पूर्व संध्या पर रुस्तम ने लंबो की भाषा बताया। 1958 में लंदन में एक ईमान बाहक पैसा का निरीक्षण करने के लिए कई महीनों तक नौकर छा जिसे नौसेना खरीदना चाहती है, लेकिन निरीक्षा पर रुस्तम ने बताया कि यह की परंपरा जंग था और इसीलिए जाने से वाले विधायक मातों को पीते के लिए विरोधी कहता है और उनके कामत के लिए साथ उन्हें ये कहते के लिए सिस्टम देते प्रयास किया कि बहुत समुद्र में चलने योग्य है। जब रुस्तम ने लंदन में बख्शी की सूचित करने का प्रयास किया तो बख्शी ने उन्हें रुस्तम रिश्वत देने और भाव की भारत लेने की प्रयास करते हैं। विक्रम ने उसे मांगने की कोशिश की और रुस्तम ने गुस्से में उसे थप्पड़ मार दिया। यह मानते हुए कि उसने अपनी वर्दी की ताकत दिखाई है, विक्रम का रुस्तम को अपने पैसे की ताकत दिखाने के उससे बदला लेने के लिए सीथिया के डेट किया, लेकिन वास्तव में उसे कभी पसंद नहीं किया। रुस्तम विक्रम के प्रतिशोध से कोई धोकर नौसेना जहाज शस्त्र के पिस्तौल किए, फिर बख्शी को ये कहते हुए बुलाया कि वो विक्रम को बख्साने वाला नहीं है और उसके पास नौसेना के लिए वाहन की योजना की उजागर करने वाली कागजात है। रुस्तम फिर विक्रम के घर गया और उसे गोली मार दी। उसके बाद बख्शी ने कामत को दस्तावेज लाने के लिए भेजा और जो रुस्तम ने कहा कि उसके पास जो है बुलंबो द्वारा ट्रक कॉल की रिकॉर्डिंग के लिए कहने पर उसे अपने भ्रष्टाचार को छिपाने के लिए आधी रिकॉर्डिंग दे दी है। रुस्तम का कहना है कि उन्होंने विमान माधव पौधे के कोर्ट के बाद कुछ ही नहीं बताया ताकि दोनों सेना की छवि खराब ना करे। रुस्तम तब खुलासा करते हैं कि वास्तव में उसके पास बहाव के अस्त होने के प्रयास से संबंधित कोई मानवता नहीं था, लेकिन अगले दिन प्रेस को बताता है कि वो एक साधारण ग्रामीण था जो उत्पाद शुल्क का अर्थ भी नहीं समझाता था। सुमा शुल्क बिक्री कर वो सब जानता था कि उसका व्यवसाय था, लेकिन भ्रष्ट नियंत्रक ने यह सुनिश्चित किया कि वो ग्रामीण एक आमिर व्यापारी ना बन जाए। रोडनाल स्वरूप उन्हें भ्रष्टोपचारों के लिप्त होना पड़ा। ये सरकार की उसके खिलाफ 29 आरोपों से 23 को हटाने के लिए मजबूर करता है। उन पर संबंधित 2 आरोपों के लिए 6.3 बिलियन की कमाई की है और जुर्मानों के आरोप लगाया गया है, जो साबित करता है कि अनुमोद के अपनी कंपनी के फंसाने के लिए फिल्मों की शक्ति के धारकों को बताते हुए गुरु के साथ समाप्त होती है कि उनके पिता गलत साबित हुए थे क्योंकि उन्होंने कहा था कि सपने सच नहीं होते हैं, लेकिन वे सभी अब
भारत की सबसे बड़ी कंपनी का हिस्सा है। गुरु उससे पूछते हैं कि क्या उन्हें रोकना चाहिए। शेयरधारक उसके बजाय दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी बनने की इकरार करने के लिए कल्पना लेते हैं। फिल्म वासुदेव शास्त्री के शुरू होती है, जो एक जूनियर रॉ एजेंट एंड एनालिसिस विंग एजेंट से जिसे अक्षम करार दिया जाता है क्योंकि वो एक महत्वपूर्ण मिशन में विफल हो गया था और फिर काम पर रखने के लिए खुद को घायल कर लिया था। बाद में जब वो उदास मार्क पार्क से बैठता है, नंदिनी उसके जीवन का प्यार उसे सांत्वना देती है। इसके बाद फिल्म फ्लैशबैक में जाती है, जहां वासुदेव शास्त्री जो एक टॉपर लेकिन आकर्षक व्यक्ति है जो आईआईटी में आता है, जहां दूसरी रेप पाने के नंदिनी चौहान ईर्ष्या से बाहर आकर अपने निजी जीवन को नरक बनाने का फैसला करते हैं। वो लगातार उससे नफरत करती है, लेकिन बसु हर बार उसे मात दे देता है। केसर के आसपास दोस्तों ना जूनियर होने के अलावा वो गुप्त रूप से रॉ के लिए अंशकालिक काम करने वाली अपनी हैकिंग प्रभावी का उपयोग करता है। वर्तमान समय में माइकल ने स्टेशन पर आदित्य को बताया कि घर के जलने की बात अपने जेसी के गला घोट दिए। वो फिर चला जाता है ताकि अशोक अपना मुठभेड़ कर सके। हालांकि जाने से पहले माइकल आगेश को हैप्पी सोल्स्टाइज कहते हैं, जिसमें आगेश को एक एहसास होता है कि वो आदित्य से बदला लेने के पीछे का कारण, क्योंकि आदित्य प्रत्येक हत्या से पहले आगेश को बुला रहा था और एक ही बात कर रहा था। आगेश आदित्य को उसी पुल पर ले जाता है जहाँ उसे शुरू होता है, जहाँ आदित्य उसे बताता है कि माइकल और उसके दैत्यों ने मारा सारा को मार डाला। उसी समय माइकल घर जाता है और देखता है कि टेरेसा उसे छोड़ने वाली है। माइकल मानसिक रूप से टूट जा चुका है और उसकी हत्या करने का प्रयास करता है। हत्या की जांच करने का काम सौंपा गया है और उसे दो हमशक्ल संदिग्ध मिलते हैं जो एक दूसरे के अस्तित्व को नहीं जानते। शिवानी के लिए चीज़ें तब और जटिल हो जाती है जब उन्हें मामले के बारे में नए तथ्य पता चलता है। ढालना आदित्य रॉय कपूर, अर्जुन सहगल, सूरज राणा दोहरी भूमिका, मीनाल ठाकुर सब इंस्पेक्टर, शिवानी माथुर के रूप में एसीपी धोरेन, यादव के रूप में नवनीत रॉय, जाह्नवी के रूप में वेदिका पिंटो, सहगल के रूप में किया खन्ना, पृथ्वी के रूप में मोहित आनंद, एडवोकेट जीवी के रूप में इवान डेडिंट, रेड्डी के रूप में दीपक कालरा, नवनीत कौर थिंग, लड़के के रूप में अक्षय भावक जो चंडी को मामला दर्ज करता है। 2019 की थमन की रिलीज के बाद ऐसी अफवाही थी कि ये एक हिंदी रीमेक का कर रही थी। 4 मार्च 2020 को फिल्म का आधिकारिक तौर पर सोशल मीडिया के माध्यम से भूषण कुमार और मुरत खेतानी द्वारा एक अनाथ अवराध थ्रिलर के रूप में घोषित किया गया था। यह पुष्टि करने थे कि टी सीरीज और सिने वन वीडियो फिल्म का निर्माण करते रहे नवोदित वर्धन केतकर निर्देशक के रूप में घोषणा की। सिद्धार्थ मल्होत्रा को सबसे पहले मृणाल ठाकुर के साथ मुख्य भूमिका के रूप में घोषित किया गया था। फिल्मांकन 20 नवंबर 2020 को रिलीज की तारीख के साथ 2020 में मध्य के शुरू होता है, लेकिन मार्च 2020 में अंत में कोरोना वायरस के बकरियों के बाद इसे स्थानांतरित कर दिया गया था अज्ञात कारणों से और परियोजना को रोक दिया गया था। 2021 में निर्माताओं ने इन्हें लीड के रूप में आदित्य रॉय कपूर के साथ प्रपोजर के पुनरुत्थान के रूप में कि बाद में सितंबर 2021 में मृणाल ठाकुर को योजना का हिस्सा बनने की पुष्टि की। वेदिका पिंटो को आदित्य के विपरीत प्रेम रुचि के कारण प्रदर्शित होने के लिए चुना गया था। रोनित रॉय और नवजीत कौर पिंड को भी फिल्म के महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए कास्ट किया गया था। फिल्मांकन अक्टूबर 2021 में दशहर के अवसर पर फिल्मांकन शुरू हुआ। 2 जुलाई 2022 में मुंबई में शुरू हुआ, जिसमें ठाकुर रोनित रॉय के साथ शूटिंग में शामिल हुए। टीम ने 2 जुलाई 2022 में फिल्मांकन पूरा किया। मिथुन विशाल मिश्रा, तनिष्क बाग्ची और मोहित बाग्ची ने फिल्म के लिए गाने तैयार किए हैं। विशाल मिश्रा द्वारा गायक संगीतबद्ध और लिखा गया पहला एकल शीर्षक सोनिया जी मार्च 14, 2023 को जारी किया गया था। 18 मार्च 2023 को धनी सुभाक्षी रचित और अरमान मालिक, अजहर एस खान और महल सलमा आगा गाए गए घर नहीं जाना नामक एक और गीत जारी किया गया। तीसरी एकल शीर्षक उल्लास है के बंदित 31 मार्च 2023 को जारी किया गया था और शीर्षक ट्रैक 5 अप्रैल 2023 को जारी किया गया था। द टाइम्स ऑफ इंडिया ने धवल रॉय ने फिल्म को 5.5 स्टार दिया और लिखा, एक आकर्षण फ्लॉड ट्विस्ट और टर्न और अच्छी कहानी कहने के समूह थिएटर ने जाने लायक है। विकलंग के ऋषि ने फिल्म को 5 में से 3.5 सितारे दी और व्यावसायिक थ्रिलर के तत्वों के साथ फिल्म को बहुत खूबसूरत करार दिए। फर्स्ट वार गणेश ने रॉयलवेदर फिल्म के लिए और एक कहते हुए 3 सितारे दिए और लिखा, जबकि ठोस मोड़ और भीड़ वाली कहानी रोमांचक लगती है। फिल्म में मनोरंजक और तौर
और तेज पटका था कि कभी वह गुमराह के दूसरे स्तर पर ले जाती है। बॉक्स ऑफिस ये दुनिया भर में 1.22 करोड़ की कमाई के साथ बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही। ओपनिंग रिकॉर्ड 5.93 करोड़ था। 27 अप्रैल 2023 तक फिल्म ने भारत में 9.86 करोड़ और विदेश में 0.82 करोड़ की कमाई के दुनिया भर में 10.68 करोड़ की सकल संग्रह किया है। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस रूप कमजोर प्रदर्शन किया। प्रवेश करने के बाद नौकर तीन गोलियों की आवाज़ सुनता है और कमरे में भागता है ये देखने के लिए कि विक्रम की छाती पर तीन गोलियां लगी हैं और रुस्तम हाथ में पिस्तौल लेकर चला रहा है। रुस्तम तुरंत पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर देता है और वरिष्ठ निरीक्षक वेंकट लंबो जाँच शुरू कर देते हैं। विकट की बहन प्रीति मखीजा सरकारी वकील लक्ष्म मखीजा से रुस्तम को कड़ी सजा लेने लिए मिलती है। रुस्तम किसी भी की मदद लेने के लिए कर देते हैं और अपने दम पर कैसे लड़ने का फैसला करता है। पुलिस हिरासत की तरह नरजीत देता है। रुस्तम के वरिष्ठ नौसेना अधिकारी रियम एडमिरल मिलर्स ने सीखते हैं कि वो हरी हुई सीथिया रुस्तम को सूचित करता है के लिए जारी लगता है, जो अंत में सीथिया से मिलता है और उसकी कहानी सुनता है जो कैसे वो अकेले और परेशान जी। जब रुस्तम को कई महीने के लिए लंदन चला गया है, प्रीति की मिली भगत से विक्रम ने सीथिया के अकेलेपन का फ़ायदा उठाया और वो उसके पैरों पड़ गए। हालांकि विक्रम की हत्या के दिन सीथिया ने अपनी शादी की आखिरी खातिर पहले ही उसे मन तोड़ लिया था। उसके साथ टूटने के बाद उसे विक्रम द्वारा थप्पड़ मारा जाता है, घायल हो गया। विक्रम के घर से बाहर चला गया। रुस्तम के निर्देश पर सीथिया कमर को आवश्यक दस्तावेजों के बदले 5 करोड़ के लिए ब्लैकमेल करती है। अदालत की सुनवाई है। रुस्तम अप्रत्याशित रूप से न्यायाधीश पटेल के सामने दोषी नहीं होने का अनुरोध करता है, जिसके परिणाम से 9 सदस्यों जूरी परीक्षण होता है। मुकदमे में साबित पर रुस्तम को जूरी द्वारा दोषी नहीं पाया गया क्योंकि उसने अंतिम कक्षा के विक्रम को गोली मार दी थी। इस बीच ये पता चलता है कि लंबो दिल्ली में था और रुस्तम द्वारा किए गए ट्रक कॉल की रिकॉर्डिंग प्राप्त करने के लिए बख्शी से मिला था। मुंबई में वापस आने पर ट्रक कॉल बजाया जाता है। लगभग सभी को विश्वास दिलाया जाता है कि रुस्तम दोषी है और जूरी के लिए उनके प्यार रायता करने के लिए अदालत कार्यवाही समाप्त हो जाता है। फैसले के दिन की पूर्व संध्या पर रुस्तम ने लंबो की बताया 1958 लंदन में एक विमान वाहक पैसा का निरीक्षण करने के लिए कई महीनों तक नौकर था जिसे नौसेना खरीदना चाहती है, लेकिन निरीक्षा पर रुस्तम ने बताया कि यह की परंपरा जंग था और इसीलिए जाने से वाले विधायक मातों को पीते के लिए विरोधी कहता है और उनके कामत के लिए साथ उन्हें ये कहते के लिए सिस्टम देते प्रयास किया कि बहुत समुद्र में चलने योग्य है। जब रुस्तम ने लंदन में बख्शी की सूचित करने का प्रयास किया तो बख्शी ने उन्हें रुस्तम रिश्वत देने और भाव की भारत लड़ने की प्रयास करते। विक्रम ने उसे मांगने की कोशिश की और रुस्तम ने गुस्से में उसे थप्पड़ मार दिया। यह मानते हुए कि उसने अपनी वर्दी का ताकत दिखाई है, विक्रम का रुस्तम को अपनी पैसे की ताकत दिखाने के उससे बदला लेने के लिए सीथिया के डेट किया, लेकिन वास्तव में उसे कभी पसंद नहीं किया। रुस्तम विक्रम के प्रतिशोध से कोई धोकर नौसेना जहाज शस्त्र के पिस्तौल किए गए। फिर बख्शी को ये कहते हुए बुलाया कि वो विक्रम को बख्साने वाला नहीं है और उसके पास नौसेना के लिए वाहन की योजना की उजागर करने वाले कागजात है। रुस्तम फिर विक्रम के घर गया, उसे गोली मार दी। उसके बाद बख्शी ने कामत को दस्तावेज लाने के लिए भेजा और जो रुस्तम ने कहा कि उसके पास जो है बुलंबो द्वारा ट्रक कॉल की रिकॉर्डिंग के लिए कहने पर उसे अपने भ्रष्टाचार को छिपाने के लिए आधी रिकॉर्डिंग दे दी है। रुस्तम का कहना है कि उन्होंने विमान माधव पौधे के पोत के बाद कुछ ही नहीं बताया ताकि वो नौसेना की छवि खराब ना करे। रुस्तम तब खुलासा करते हैं कि वास्तव में उसके पास बहाव के अस्त होने के प्रयाण से संबंधित कोई मानवता नहीं था, लेकिन अगले दिन प्रेस को बताता है कि वो एक साधारण ग्रामीण था जो उत्पाद शुल्क का अर्थ भी नहीं समझाता था। सुमा शुल्क बिक्री कर वो सब जानता था कि उसका व्यवसाय था, लेकिन भ्रष्ट नेतृत्व ने यह सुनिश्चित किया कि वो ग्रामीण एक आमिर व्यापारी मकना बन जाए। वर्णान स्वरूप उन्हें भ्रष्टोपचारों के लिप्त होना पड़ा। ये सरकार की उसके खिलाफ 29 अप्रैल से 23 को हटाने के लिए मजबूर करता है। उन पर संवेदित 2 आरोपों के लिए 6.3 बिलियन की कमाई की है और जुर्मानों के आरोप लगाया गया है जो साबित करता है कि अनुमोद के अपनी कंपनी के फंसाने के लिए फिल्मों की शक्ति के शहरधारकों को बताते हुए गुरु के साथ समाप्त होती है कि उनके पिता गलत साबित हुए थे क्योंकि उन्होंने कहा था कि सपने सच नहीं होते हैं, लेकिन वे सभी अब भारत की सबसे बड़ी कंपनी का हिस्सा है। गुरु उससे पूछते हैं कि क्या उन्हें रोकना चाहिए। शेयरधारक उसके बजाय दुनिया की सबसे बड़ी
अपने बने की इकरार करने के लिए कल्पना लेते हैं। फिल्म वासुदेव शास्त्री का शुरू होती है, जो एक जूनियर रॉ एजेंट एंड एनालिसिस विंग एजेंट से जिसे अक्षम करार दिया जाता है क्योंकि वो एक महत्वपूर्ण मिशन में विफल हो गया था और फिर उस काम पर रखने के लिए खुद को घायल कर लिया था। बाद में जब वो उदास मार्क पार्क से बैठता है, नंदिनी उसके जीवन का प्यार उसे सांत्वना देती है। इसके बाद फिल्म फ्लैशबैक में जाती है, जहाँ वासुदेव शास्त्री जो एक टॉपर लेकिन आकर्षक व्यक्ति है, जो IIT में आता है, जहाँ दूसरी रेप पाने के नंदिनी चौहान ईर्षा से बाहर आकर अपने निजी जीवन को नरक बनाने का फैसला करते हैं। वो लगातार उससे नफरत करती है, लेकिन बसु हर बार उसे मात दे देता है। केसर के आसपास दोस्तों ना जूनियर होने के अलावा वो गुप्त रूप से रॉ के लिए अंशकालिक काम करने वाली अपनी हैकिंग प्रभावी का उपयोग करता है। वर्तमान समय में माइकल ने स्टेशन पर आदित्य को बताया कि घर के जलने की बात अपने जैसी के गला घोट दिए वो फिर चला जाता है ताकि अशोक अपना मुठभेड़ कर सके। हालांकि जाने से पहले माइकल आगेश को हैप्पी सोल्स्टाइज कहते हैं, जिसमें आगोश को एक एहसास होता है कि वो आदित्य से बदला लेने के पीछे का कारण, क्योंकि आदित्य प्रत्येक हत्या से पहले आगेश को बुला रहा था और एक ही बात कर रहा था। आगेश आदित्य को उसी पुल पर ले जाता है जहाँ उसे शुरू होता है, जहाँ आदित्य उसे बताता है कि माइकल और उसके दैत्यों ने सारा को मार डाला। उसी समय माइकल घर जाता है और देखता है कि टेरेसा उसे छोड़ने वाली है। माइकल मानसिक रूप से टूट जा चुका है और उसकी हत्या करने का प्रयास करता है। हत्या की जांच करने का काम सौंपा गया है और उसे दो हमशक्ल संदिग्ध मिलते हैं जो एक दूसरे के अस्तित्व को नहीं जानते। शिवानी के लिए चीजें तब और जटिल हो जाती है जब उन्हें मामले के बारे में नए तथ्य पता चलता है। ढालना आदित्य रे कपूर, अर्जुन सहगल, सूरज राणा दोहरी भूमिका, मीनाल ठाकुर सब इंस्पेक्टर, शिवानी माथुर के रूप में AJB धोरेन, यादव के रूप में धोरेन रॉय, जानवी के रूप में वेदिका पिंटो, सहगल के रूप में किया खन्ना, पृथ्वी के रूप में मोहित आनंद, एडवोकेट GB के रूप में इवान डडिंट, रेड्डी के रूप में दीपक कालरा, नवनीत कौर थिंग, लड़के के रूप में अक्षय भावक जो चंडी को मामला दर्ज करता है। 2019 की थमन की रिलीज के बाद ऐसी अफवाह थी कि ये एक हिंदी रीमेक का काम कर रही थी। 4 मार्च 2020 को फिल्म का आधिकारिक तौर पर सोशल मीडिया के माध्यम से भूषण कुमार और मुराद खेतानी द्वारा एक अनाथ अवरात थ्रिलर के रूप में घोषित किया गया था। यह पुष्टि करने थे कि टी सीरीज और सिने वन ये फिल्म का निर्माण करते रहे नवोदित वर्धन केतकर निर्देशक के रूप में घोषणा की। सिद्धार्थ मल्होत्रा को सबसे पहले मृणाल ठाकुर के साथ मुख्य भूमिका के रूप में घोषित किया गया था। फिल्मांकन 20 नवंबर 2020 को रिलीज की तारीख के साथ 2020 में अंत के शुरू होता है, लेकिन मार्च 2020 में अंत में कोरोना वायरस के प्रक्रिया के बाद इसे स्थानांतरित कर दिया गया था अज्ञात कारणों से और परियोजना को रोक दिया गया था। जुलाई 2021 में निर्माताओं ने नए लीड के रूप में आदित्य रॉय कपूर के साथ प्रपोजर के पुनरुत्थान के रूप में कि बाद में सितंबर 2021 में मृणाल ठाकुर को योजना का हिस्सा बनने की पुष्टि की। वेदिका पिंटो को आदित्य के विपरीत प्रेम रुचि के कारण प्रदर्शित होने के लिए चुना गया था। रोनित रॉय और नवजीत कौर थिंड को भी फिल्म के महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए कास्ट किया गया था। फिल्मांकन अक्टूबर 2021 में दशहरा के अवसर पर फिल्मांकन शुरू हुआ। 2 मई 2022 में मुंबई में शुरू हुआ, जिसमें ठाकुर रोनित रॉय के साथ शूटिंग में शामिल हुए। टीम ने जुलाई 2022 में फिल्मांकन पूरा किया। मिथुन विशाल मिश्रा, तनिष्क बाक्षी और मोहित बाक्षी ने फिल्म के लिए गाने तैयार किए हैं। विशाल मिश्रा द्वारा गायक संगीतबद्ध और लिखा गया पहला एकल शीर्षक सोनिया जी मार्च 14, 2023 को जारी किया गया था। 18 मार्च 2023 को तनिष्क बाक्षी द्वारा रचित और अरमान मालिक, जहर एस खान और सलमा आगा गाय घर नहीं जाना नामक एक और गीत जारी किया गया। तीसरी एकल शीर्षक उल्लास है के बंदित 31 मार्च 2023 को जारी किया गया था और शीर्षक ट्रैक 5 अप्रैल 2023 को जारी किया गया था। द टाइम्स ऑफ इंडिया ने धवल रॉय ने फिल्म को 5.5 स्टार दिया और लिखा, एक आकर्षण प्लॉट ट्विस्ट और टर्न और अच्छी कहानी कहने के समूह थिएटर में जाने लायक है। विकलंग के ऋषि ने फिल्म को 5 में से 3.5 सितारे दी और व्यावसायिक थ्रिलर के तत्वों के साथ फिल्म को बहुत खूबसूरत करार दिए। फर्स्ट वर्क गणेश ने अलविदा फिल्म के लिए और एक कहते हुए 3 सितारे दिए और लिखा, जबकि ठोस मोड़ और भीड़ वाली कहानी रोमांचक लगती है। फिल्म में मनोरंजक और
और तेज पटका था कि कभी वह गुमराह के दूसरे स्तर पर ले जाते हैं। बॉक्स ऑफिस ये दुनिया भर में 1.22 करोड़ की कमाई के साथ बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप नहीं, ओपनिंग रिकॉर्ड 5.93 करोड़ था। 27 अप्रैल 2023 तक फिल्म ने भारत में 9.86 करोड़ और विदेश में 0.82 करोड़ की कमाई की, दुनिया भर में 10.68 करोड़ की सकल संग्रह किया है। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस रूप में कमजोर प्रदर्शन किया। प्रवेश करने के बाद नौकर तीन गोलियों की आवाज़ सुनता है और कमरे में भागता है, ये देखने के लिए कि विक्रम की छाती पर तीन गोलियां लगी हैं और रुस्तम हाथ में पिस्तौल लेकर चला रहा है। रुस्तम तुरंत पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर देता है और वरिष्ठ निरीक्षक वेंकट लंबो जाँच शुरू कर देते हैं। विकट की बहन प्रीति मखीजा सरकारी वकील लक्ष्म मखीजा से रुस्तम को कड़ी सजा सुनाने के लिए मिलती है। रुस्तम किसी भी की मदद लेने के लिए कर देते हैं और अपने दम पर कैसे लड़ने का फैसला करता है। पुलिस हिरासत की तरह नरजीत देता है। रुस्तम के वरिष्ठ नौसेना अधिकारी रियम एडमिरल मिलर ने सीखते हैं कि वो हरी हुई सीथिया रुस्तम को सूचित करता है के लिए जारी लगता है, जो अंत में सीथिया से मिलता है और उसकी कहानी सुनता है, जो कैसे वो अकेले और परेशान जी जब रुस्तम को कई महीने के लिए लंदन चला गया है। प्रीति की मिली भगत से विक्रम ने सीथिया के अकेलेपन का फायदा उठाया और वो उसके पैरों पड़ गए। हालांकि विक्रम की हत्या के दिन सीथिया ने अपनी शादी की आखिरी खातिर पहले ही उसे बंधन तोड़ लिया था। उसके साथ टूटने के बाद उसे विक्रम द्वारा थप्पड़ मारा जाता है, घायल हो गया, विक्रम के घर से बाहर चला गया। रुस्तम के निर्देश पर सीथिया कमर को आवश्यक दस्तावेजों के बदले 5 करोड़ के लिए ब्लैकमेल करती है। अदालत की सुनवाई है। रुस्तम अप्रत्याशित रूप से न्यायाधीश पटेल के सामने दोषी नहीं होने का अनुरोध करता है, जिसके परिणाम से 9 सदस्यों जूरी परीक्षण होता है। मुकदमे साबित पर रुस्तम को जूरी द्वारा दोषी नहीं पाया गया क्योंकि उसने आत्मरक्षा के विक्रम को गोली मार दी थी। इस बीच ये पता चलता है कि लंबो दिल्ली में था और रुस्तम द्वारा किए गए ट्रक कॉल की रिकॉर्डिंग प्राप्त करने के लिए बख्शी से मिला था। मुंबई में वापस आने पर ट्रक कॉल बजाया जाता है। लगभग सभी को विश्वास दिलाया जाता है कि रुस्तम दोषी है और जूरी के लिए उनके प्यार रायता करने के लिए अदालत कार्यवाही समाप्त हो जाता है। फैसले के दिन की पूर्व संध्या पर रुस्तम ने लंबो की भाषा बताया। 1958 में लंदन में एक विमान वाहक पैसा का निरीक्षण करने के लिए कई महीनों तक नौकर छा जिसे नौसेना खरीदना चाहती है, लेकिन निरीक्षा पर रुस्तम ने बताया कि यह की परंपरा जंग था और इसीलिए जाने से वाले विधायक मातों को पीते के लिए विरोधी कहता है और उनके कामत के लिए साथ उन्हें ये कहते के लिए सिस्टम देते प्रयास किया कि बहुत समुद्र में चलने योग्य है। जब रुस्तम ने लंदन में बख्शी की सूचित करने का प्रयास किया तो बख्शी ने उन्हें रुस्तम रिश्वत देने और भाव की भारत लेने की प्रयास करते। विक्रम ने उसे मांगने की कोशिश की और रुस्तम ने गुस्से में उसे थप्पड़ मार दिया। यह मानते हुए कि उसने अपनी वर्दी की ताकत दिखाई है, विक्रम का रुस्तम को अपनी पैसे की ताकत दिखाने के उससे बदला लेने के लिए सीथिया के डेट किया, लेकिन वास्तव में उसे कभी पसंद नहीं किया। रुस्तम विक्रम के प्रतिशोध से कोई धोकर नौसेना जहाज शस्त्र के पिस्तौल किए, फिर बख्शी को ये कहते हुए बुलाया कि वो विक्रम को बख्साने वाला नहीं है और उसके पास नौसेना के लिए वाहन योजना की उजागर करने वाली कागजात है। रुस्तम फिर विक्रम के घर गया और उसे गोली मार दी। उसके बाद बख्शी ने कामत को दस्तावेज लाने के लिए भेजा और जो रुस्तम ने कहा कि उसके पास जो है बुलंबो द्वारा ट्रक कॉल की रिकॉर्डिंग के लिए कहने पर उसे अपने भ्रष्टाचार को छिपाने के लिए आधी रिकॉर्डिंग दे दी है। रुस्तम का कहना है कि उन्होंने विमान माधव पौधे के पोत के बाद कुछ ही नहीं बताया ताकि वो नौसेना की छवि खराब ना करे। रुस्तम तब खुलासा करते हैं कि वास्तव में उसके पास बाहु के अस्त होने के प्रयाण से संबंधित कोई मानवता नहीं था, लेकिन अगले दिन प्रेस को बताता है कि वो एक साधारण ग्रामीण था जो उत्पाद शुल्क का अर्थ भी नहीं समझाता था। सुमा शुल्क बिक्री कर वो सब जानता था कि उसका व्यवसाय था, लेकिन भ्रष्ट नेतृत्व ने यह सुनिश्चित किया कि वो ग्रामीण एक आमिर व्यापारी ना बन जाए। उदाहरणस्वरूप उन्हें भ्रष्ट उपचारों के लिप्त होना पड़ा। ये सरकार की उसके खिलाफ 29 आरोपों से 23 को हटाने के लिए मजबूर करता है। उन पर संबंधित 2 आरोपों के लिए 6.3 बिलियन की कमाई की है और जुर्मानों के आरोप लगाया गया है, जो साबित करता है कि अनुमोद के अपनी कंपनी के फंसाने के लिए फिल्मों की शक्ति के धारकों को बताते हुए गुरु के साथ समाप्त होती है कि उनके पिता गलत साबित हुए थे क्योंकि उन्होंने कहा था कि सपने सच नहीं होते हैं, लेकिन वे सभी अब भारत की सबसे बड़ी कंपनी का हिस्सा है। गुरु उससे पूछते हैं कि क्या उन्हें रोकना चाहिए। शेयरधारक उसके बजाय दुनिया की सबसे बड़ी
अग्नि बने की इकरार करने के लिए कल्पना लेते हैं। फिल्म वासुदेव शास्त्री के शुरू होती है, जो एक जूनियर रॉ एजेंट एंड एनालिसिस विंग एजेंट से जिसे अक्षम करार दिया जाता है क्योंकि वो एक महत्वपूर्ण मिशन में विफल हो गया था और फिर काम पर रखने के लिए खुद को घायल कर लिया था। बाद में जब वो उदास मार्क पार्क से बैठता है, नंदिनी उसके जीवन का प्यार उसे सांत्वना देती है। उसके बाद फिल्म फ्लैशबैक में जाती है, जहाँ वासुदेव शास्त्री जो एक टॉफर लेकिन आकर्षक व्यक्ति है, जो आईआईटी में आता है, जहाँ दूसरी रेप पाने के नंदिनी चौहान ईर्ष्या से बाहर आकर अपने निजी जीवन को नरक बनाने का फैसला करते हैं। वो लगातार उससे नफरत करती है, लेकिन वसु हर बार उसे मात दे देता है। केसर के आसपास दोस्तों जूनियर होने के अलावा वो गुप्त रूप से रॉ के लिए अंशकालिक काम करने वाली अपनी हैकिंग प्रभावी का उपयोग करता है। वर्तमान समय में माइकल ने स्टेशन पर आदित्य को बताया कि घर के जलने की बात अपने जेसी के गला घोट दिए वो फिर चला जाता है ताकि अशोक अपना मुठभेड़ कर सके। हालांकि जाने से पहले माइकल आगेश को हैप्पी सोल्स्टाइज कहते हैं, जिसमें आगेश को एक एहसास होता है कि वो आदित्य से बदला लेने के पीछे का कारण, क्योंकि आदित्य प्रत्येक हत्या से पहले आगेश को बुला रहा था और एक ही बात